दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ए के फेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे फैंस आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं साल 2024 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की मूवी जिसका नाम है ओपरेजन तो फैंस ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आप लोग को देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन वेलेंटाइन मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे इस फिल्म को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था और इस फिल्म ने साल 2024 में रिलीज होने के बाद भारतीय हिंदी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कितनी कमाई किया है और इसके साथ दोस्तों ये फिल्म हिट हुआ है या फिर फ्लॉप हुआ है इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की प्री प्रोडक्शन्स और पोस्ट प्रोडक्शन्स के बारे में जिसके वजह से दोस्तों आप लोग को ये आसानी से पता चल जाएगा कि ये फ़िल्म आपको कौन सा यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन सी ओ डी टी प्लेटफॉर्म पर आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक ऑपरेशन वेलेंटाइन फिल्म को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए केम वही फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो दोस्तों बता दें मेगा प्रिंस वरुण तेज जो कि विविध किरदारों में और फिर कहानियों को चुनने के लिए जाने जाते हैं जो कि दोस्तों टॉलीवुड के पहले ही हवाई एक्शन तमाशे ऑपरेशन विलियन टाइन के साथ लौट आए हैं अच्छी चर्चा के साथ ये फिल्म सिनेमाग्रोह में रिलीज हुई है जिसे दर्शक ने कितना पसंद किया है इस वीडियो में हम जानेंगे वही अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो अर्जुन देव यानी कि वरुण तेज भारतीय वायुसेना में एक विंग कमांडर है जो कि प्रोजेक्ट वज्र के परीक्षण के दौरान अपने दोस्त कबीर यानी कि नवदीप को खो देते हैं इसके बाद इस परियोजना के कुछ वर्षों तक ही इस परियोजना को कुछ वर्षों तक बंद करने के बाद वह एक परीक्षण पायलट के रूप में फिर से शामिल हो गए इस बीच श्रीनगर में एक आतंकी हमला होता है और यह पता चलने पर कि ये पाकिस्तान का काम है जिसके बाद भारतीय वायुसेना जवाबी कार्रवाई की योजना बनाती है जिसकी वजह से भारत कैसे जो है प्रतिकार करता है और इसके बाद हमले के दौरान प्रोजेक्ट वज्र भारत को कैसे जो है मदद करता है उसके बाद आहान यानी कि गिल मनुष्य छिल्लर उनके अलावा कहानी से कैसे जुड़ी हुई है क्या अर्जुन विजयी होता है या फिर शहीद होता है आपको ये जानना है तो आपको ये पूरा फिल्म एंड तक देखना पड़ेगा अगर दोस्तों इस फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में हम बात कर ले तो वरुण तेज तेलुगु दर्शकों के लिए अनूठी कहानियाँ लेकर फिल्मों में काम करते हैं अनूठी कहानियों को लेकर फिल्मों में अपने अपने शास्य चयन के लिए प्रशंसक के पात्र है जो कि दोस्तों बता दें कि आई ए एफ कमांडर अर्जुन देव जिसका जो है फिल्म के अंदर कोड नेम रुद्र रखा गया है उनके रूप में वरुण तेज ने शानदार प्रदर्शन तो किया ही है और भूमिका में भी बिल्कुल फिट बैठे हैं इसी के साथ उनके साथ यहाँ पे आई इफ, अधिकारी और फिर अर्जुन देव की प्रेमिका के रूप में अपनी प्रभावशाली तेलुगु शुरुआत में मनुष्य छिल्लर भी शामिल हुई है जिसकी वजह से मनुष्य छिल्लर ने दिए गए स्थानों के भीतर ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सराहनीय रूप से अपने चरित्र को चित्रित इस फिल्म में किया है वहीं दूसरे भाग में हवाई युद्ध के दृश्य जैसे कि टीम ने नोट किया है कि वास्तव में आकर्षक है ये सभी सीन्स क्योंकि यहाँ पे देशभक्ति के उत्साह को प्रभावी ढंग से दर्शाता है बाकी कलाकार भी अपना सर्वश्रेष्ठ फिल्में देते हैं और फिल्म के किरदारों के अच्छे चित्रण में अपना योग्य दान देते हैं वही फिल्म के नकारात्मक अंक के बारे में हम बात करें तो दोस्तों सच्ची घटनाओं के सार को स्क्रीन पर कैद किया गया है फिल्म के अंदर इसी साथ सच्ची घटनाओं के ऊपर फिल्म की कहानी को बनाया गया है और ये चुनौतीपूर्ण है जैसा कि ऑपरेशन विलेंटाइन में देखा गया है हालांकि फिल्म के कुछ पल हैं लेकिन कुछ है दृश्यों में जुड़ाव की कमी है जो कि उम्मीदों से कम है वहीं आतंकी हमले और फिर उसके परिणाम के चित्रण में वंचित प्रभाव का भावी देखने को मिला है जिससे अधिक हृदय किरदार इसके अलावा और इसके अलावा जो है बेदार का दृष्टिकोण का अवसर चुक गया है जो कि भावनात्मक प्रतिध्वनि को बढ़ावा देता है पहले भाग में भारतीय वायु सेना की शक्तियों को उजागर करने के पर्याप्त अवसर के साथ यहाँ पे मुख्य किरदारों के बीच रोमांटिक दृश्यों जैसे कि फिल्म के अंदर अनावश्यक दृश्यों से प्रभावित किया गया है वहीं रूहानी श्याम यानी कि इस फिल्म के अंदर प्रेश पहुजा उनके अलावा शटाफ फिगार उनके अलावा अली रेजा द्वारा निभाए गए किरदारों का इस देशभक्ति कथा के लिए आवश्यक भावनाओं को जगाने के लिए बेहतर उपयोग किया जा सकता था इस फिल्म के अंदर इसी के साथ इस फिल्म की तकनीकी पहलुओ के बारे में हम बात कर ले तो जबकि फिल्म के निर्देशक शक्ति प्रताप सिंह हाडा कुछ हद तक सफल काम किए हैं जो कि एक अधिक आकर्षक कथा पेश की है और कसी हुई पदकथा दिखाए हैं ऑपरेशन विलेंटाइन को एक मनोरंजन हवाई एक्शन थ्रिलर में बदला जा सकता था वहीं बता दें कि साई माधवन बुरा का संवाद दर्शकों के बीच बेहतर ढंग से गोज सकते थे क्योंकि खासकर अधिक आकर्षक चीज़ें आपको इस फिल्म में देखने को मिल जाती है अधिक आकर्षक देशभक्तिपूर्ण और फिर फिरपंथियों को इस फिल्म में गौड़ने में हरे के वेदांतम की स्नेमेटोग्राफी भी सराहनीय लायक है हालांकि मिकी जे मेयर का काम यहाँ पे संतोषजनक ही है लेकिन फिल्म में कुछ ऐसे मौके छूट गए हैं जहाँ पे उनका शानदार बैकग्राउंड संगीत समग्र अनुभव को समृद्ध कर सकता था वही दोस्तों संपादक के बारे में हम बात करें तो फिल्म का संपादक नबीन नुल्ली बेहतर गति बढ़ावा देने के लिए पहले भाग में कुछ शो में कटौती कर सकते थे जो कि बी एफ एक्स की उचित देखभाल की सराहनीय काम हो सकता था खासकर यथार्थवाद और फ्य जो है यहाँ पे विसर्जन को बढ़ावा देने के लिए दृश्य प्रभाव को मांग किया गया है इस फिल्म के अंदर कुल मिलाकर दोस्तों ऑपरेशन विलेंटाइन एक अच्छी हवाई एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि आकर्षक हवाई हमले दृश्यों के साथ साथ तेज और फिर मनुष्य छिल्लर के ठोस प्रदर्शन से प्रेरित है हालांकि सुस्त पहला भाग देखने को मिलता जरूर है लेकिन अनुश्यक दृश्य और फिर कुछ स्थानों पर आवश्यक भावनात्मक गहराई की कमी उल्लेखनीय कमियां हैं इसी तरह के दोस्तों हवाई एक्शन ड्रामा से परिचित दर्शक यहाँ पर शायद ऑपरेशन विलेन टाइन के साथ ही उतनी दृढ़ता से प्रतिध्वनित नहीं हो लेकिन दूसरों के लिए फिल्म इस हफ्ते के अंत में संतोषजनक मनोरंजन प्रदान करने के लिए काफ़ी आगे बढ़ती है तो इस तरह की कहानी इस फिल्म के अंदर पेश की गई है लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक ऑपरेशन विलियन टाइन फिल्म को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस फिल्म को एक बार जरूर से देखिए वही दोस्तों ये फिल्म भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि दो के पुलवामा आतंकवादी हमले और भारतीय वायुसेना द्वारा दो के जवाबी बालाकोट एयर स्ट्राइकर पर आधारित है फिल्म की कहानी जिसका निर्देशन शक्ति प्रताप सिंह हारा ने किया है जो कि उनके निर्देशन में पहली फिल्म है और इसी के साथ सोनी पिक्चर्स और फिर संदीप जो है मुद्दा द्वारा निर्मित किया गया है इसी के साथ दोस्तों गॉड ब्लेस इंटरटेनमेंट और फिर नंद कुमार अभिनेनी द्वारा निर्माण के साथ इसे तेलुगु और हिंदी में एक साथ शूट किया गया था इसमें वरुण तेज मनुष्य छिल्लर उनके राव नवदीप और फिर मीर सरवर प्रमुख भूमिकाओं में फिल्में नजर आए हैं ये तेज़ की हिंदी फिल्म और फिर छिल्लर की तेलुगु फिल्म की शुरुआत है ये फिल्म 1 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी इसे समीक्षकों और दर्शकों से मिली जुली समीक्षाएं फिल्म को देखने को मिली है दोस्तों इससे पहले 14 अगस्त 2023 को अपने तीसरे शेड्यूल को पूरा करते हुए फिल्म के निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर ही ऑपरेशन विलेन ट्राइन के रूप में इसका शीर्षक प्रकट किया था सभी के सामने ये दूरभाषी प्रोजेक्ट तेलुगु और हिंदी दोनों में ही रिलीज के लिए तैयार किया गया 19 अक्टूबर 2023 को निर्माता ने घोषणा किया था कि फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी पूरी हो चुकी है फिल्म की संगीत के बारे में हम बात कर ले तो साउंड और बैकग्राउंड स्कोर मिकी जे मेयर द्वारा रचित किया गया था वही सारे गामों ने ऑडियो अधिकार हासिल कर लिया फिल्म का पहला एकल वंदे मातरम व फेयर टू हे वाधा वार्डर पर अनावरण किया गया वहीं रिलीजिंग के बारे में हम बात करें तो मूल रूप से इसे 8 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था वहीं दोस्तों आपको बता दें लेकिन ये जो है थोड़ा सा पोस्ट प्रोडक्शन कार्यों में देरी हुई थी जिसकी वजह से 16 फरवरी 2024 तक के लिए इसको रोक दिया गया बाद में ये फिल्म 1 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है इसी तरह दोस्तों फिल्म के पोस्ट थिएटर के बारे में हम बात कर लें तो स्ट्रीमिंग अधिकार एमजन प्राइम वीडियो को बेचा गया है इस फिल्म की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात कर लें तो रेडिफ के तरफ से अर्जुन मिनन ने इस मूवीज़ को फाइव में से थ्री स्टार रेटिंग दिया है ऑपरेशन वेलेंटाइन कुछ उत्साहनपूर्ण और फिर जो है हानि रहित मजेदार समय देने के लिए समान वायुसेना कथाओं के यानी कि टेम प्लेट का अनुसरण करता है इसी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से पोल निकोडेम्स ने भी फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट जीरो स्टार रेटिंग दी है और कहा कि ऑपरेशन वेलेंटाइन भारतीय वायुसेना की बहादुरी के लिए एक सम्मानजनक संकेत है जो कि दर्शकों को एक्शन देशभक्ति और नाटक का भी मिश्रण पेश करता है हालांकि ये पहुंच नहीं सकता है और इसके पूर्ववर्ती यानी कि हवाई युद्ध और फिरजुआई वायुसेना की फिल्मों की भावनात्मक या फिर जो है सिनेमाई ऊंचाइयों के बावजूद ये जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में वीरता और फिर जो है बलिदान के अपने उत्साहित चित्रण के लिए एक सभ्य घड़ी बनाती है इसी तरह से दोस्तों द हिंदू की तरफ से संगीता देवी डंडू ने लिखा है कि मुख्य अभिनेता और फिर बोलने योग्य नहीं है क्योंकि उनके बीच के लिखित रिश्ते के साथ लेखन कुछ भी नया पेश नहीं करता है फिर भी ये फिल्म आपको देखने में अच्छा लगेगा द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से रघुबंदी ने इस फिल्म को फाइव में से वन पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग इन्होंने दिया है और दोस्तों उन्होंने लिखा है कि फिल्म में मानवीय कहानी का अभाव है ग्राफिक कार्य खराब दिखता है और फिर उत्पादन मूल्य वंचित नहीं है जबकि वरुण तेज के प्रदर्शन की प्रशंसाएँ की गई द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने लेखन की आलोचना करते हुए फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिया और कहा कि हमने और कहा कि इसमें हमारा ध्यान जो है खींचने के लिए यहाँ पे नबीनतम या फिर जो है आविष्कार नहीं है जो कि टिप्पणी करते हुए कि छिलर ख़राब भूमिकाओं के बावजूद अपने चरित्र में एक निश्चिंत तीव्रता इस फिल्म के अंदर लाते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों फिल्म में जो चीज़ दिखाया गया है वो देखने लायक है इस फिल्म की कहानी साल 2019 में हुई आतंकवादी हमला यानी कि पुलवामे हमले के ऊपर फिल्म की कहानी को बनाया गया है तो फैंस अगर आप लोग इस तरह की फिल्मों को देखना पसंद करते हो और आप लोगों ने अभी इस फिल्म को देख लिया है तो आप इस फिल्म को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं वही दोस्तों ये फिल्म भारतीय वायुसेना की बहादुरी कार्रवाई देशभक्ति और फिर नाटक के समीश का एक सम्मानजनक संकेत है जो कि विपरीत परिस्थितियों में वीरता और बलिदान के जोशीले चित्रण के लिए ये अच्छी घड़ी को पेश करता है वहीं दोस्तों ऑपरेशन अर्जुन देव जिन्होंने रुद्र वरुण तेज के नाम से भी इसको जाना जाता है जो कि एक उत्कृष्ट लड़ाकू पायलट और फिर जो है आहाना गिल यानी कि मनुष्य छिल्लर जो कि भारतीय वायुसेना में एक कमांडर सेंटर अधिकारी है उनकी कहानी को बताया गया है सैन्य वीरता की पृष्ठभूमि पर आधारित उनकी प्रेम कहानी फिल्म के प्रोजेक्ट वज्र में उनकी भागीदारी को फिर से दर्शाती है एक मिशन जो कि एक घातक दुर्घटना में उनके साथी कबीर नवदीप की मृत्यु के साथ दुखद रूप से समाप्त हो गया था ये कहानी लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब श्रीनगर में एक आतंकवादी हमला दोनों को फिर से एकजुट होने के लिए मजबूर करता है और देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मिशनों में एक विशिष्ट यानी कि स्क्वाड का नेतृत्व करता है वहीं समीक्षक ने बताया कि शक्ति प्रताप सिंह हारा द्वारा निर्देशित की गई शक्ति प्रताप सिंह हारा द्वारा निर्देशित की ऑपरेशन भारतीय वायुसेना के लिए एक सिनेमाई श्रद्धांजलि है जो जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों की अपरिहार्य तुलना करते हुए अपनी जगह बनाने का प्रयास करता है लेकिन समकालीन भारतीय सैन्य फ्यूज चुनौतियों और इसके अलावा जो है लचीलेपन के चित्रण के माध्यम से भी एक अलग स्वाद पेश करने का प्रयास ये फिल्म करता है इसी तरह से दोस्तों आगे बता दें। फिल्म के हीरो वरुण तेज ने वरुण तेज ने रुद्र के रूप में एक समूहक प्रदर्शन किया है जो कि कौशल और फिर जुए क्रिसम के साथ एक सर्वोत्कृष्ट विद्रोही पायलट के गुणों को दर्शाते हैं मानुसिस छिलर ने अपने टॉलीवुड डेब्यू में अहाना गिल का किरदार निभाया है शालीनता से जो कि दृढ़ विश्वास के साथ निभाया है इन्होंने इस किरदार को और इन किरदारों की बेहतर जो है स्थापना से ही फिल्म को मदद मिल सकती थी क्योंकि नवदीप रूहानी शर्मा उनके अलावा परेश पहुजा उनके अलावा अली रेजा और है शताफ़ फिगार इनकी सम्पत राज और है मीर सर्वर शहीद सहायक कलाकार प्रमुख कलाकारों के रूप में इस फिल्म के अंदर नजर आए हैं इसी तरह से दोस्तों हालांकि फिल्म ऊंची उड़ान वाले एक्शन दृश्यों में उत्कृष्ट है और फिर सुरानिया हवाई यूथ दृश्यों को दिखाता है लेकिन ये अपने पात्रों और उनके रिश्तों को पूरी तरह से उजागर करने में विफल रहती है वाडी के पेशे व्यक्तिगत जो है नुकसान और फिर जो है प्रेरणाओं को उजागर करने का फिल्म का प्रयास सराहनीय फिर भी इन पहलुओं को दर्शकों दर्शकों के साथ अधिक गहराई से जोड़ने के लिए आवश्यक भावनात्मक जो है मजबूती का अभाव रखा गया है इसके बाद दोस्तों तेकनीकी रूप से फिल्म अपने दृश्य प्रभाव और फिर छायांकन से प्रभावित करती है हवाई लड़ाई के रोमांस और फिर जो है खतरे को गहरी नज़र से पकड़ती है हालांकि बी एफिक्स फिर जो है गुणवत्तापूर्ण और कथा के साथ मिलकर निरंतरता में यहाँ पे विसंगतियाँ कभी कभी जो है यानी कि विसर्जन से ध्यान भटकाती है इसी के साथ मिक्की से मेयर का साउंड और बैकग्राउंड स्कोर प्रभावी ढंग से फिल्म के ऊंचा फिल्म के उतार चढ़ाव को रेखांकित करता है हालांकि एक मजबूत कथा फोक्स फिर समग्र प्रभाव को बढ़ा सकता था अंत में ऑपरेशन वैलेंटाइन भारतीय वायुसेना की बहादुरी का एक सम्मानजनक संकेत भी है जो कि दर्शकों को एक्शन देशभक्ति और फिर नाटक का मिश्रण पेश किया है फिल्म में हालांकि ये अपनी पूर्ववर्ती हवाई युद्ध और फिर वायुसेना फिल्मों की भावनात्मक या फिर सिनेमाई उच्चाईयुद्ध तक नहीं पहुंच सकता है लेकिन विपरीत परिस्थितियों में वीरता और फिर बलिदान के अपने उस उत्साहित चित्रण के लिए एक सभ्य घड़ी को बनाता है जिसे आपको एक बार जरूर से देखना चाहिए वहीं दोस्तों बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो अर्जुन देव वरुण तेज और उनकी पत्नी अहाना गिल मनुष्य छिल्लर भारतीय वायु सेना में विंग कमांडर के पद पर है अर्जुन एक परीक्षण पायलट है जो कि अन्य सैनिकों द्वारा उपयोग किए जाने से पहले सैन्य विमानों का मूल्यांकन करते हैं अर्जुन ने प्रोजेक्ट वज्र तैयार किया जिसमें दृश्यम के रडार की पकड़ से बचने के लिए ज़मीन के करीब उड़ान भर सकते जमीन के करीब उड़ान भरना शामिल है अपने परीक्षण मिशन के दौरान ही अर्जुन और फिर आहाना ने अपने करीबी दोस्त यानी कि नवदीप को दुखद रूप से खो दिया जिससे उनके रिश्तों में तनाव पैदा हो गया इसके बाद से दोस्तों अर्जुन ने प्रोजेक्ट वज्र तैयार किया है जिसमें दुश्मन ने दुश्मन के रटवार की, की पकड़ से बचने के लिए ज़मीन के करीब उड़ान भरना शामिल है अपने परीक्षण मिशन के दौरान अर्जुन और फिर आहाना ने अपने करीबी दोस्त नवदीप को दुखद रूप से दुखद रूप से खो दिया जिससे उनके रिश्तों में तनाव पैदा हो गया वहीं आहना अर्जुन से कहती है कि वह भविष्य में उस प्रोजेक्ट पर काम न करे अन्यथा उन्हें जो है ब्रेकअप करना होगा अपनी जिंदगी से वहीं पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले करने के बाद जिसमें जो है चालीस यानी कि सी जवानों की शहादत शामिल हुई जो कि भारत सरकार और फिर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी बिशोरों आतंकवादी जो है इनकी शिविरों पर हवाई हमले करके जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया अर्जुन को प्रोजेक्ट वज्र के साथ आगे बढ़ाना होगा जबकि यहाँ पे रडार कमांडर आहाना को यहाँ पे मार्गदर्शन प्रदान करना होगा इस बार अर्जुन ने कैसे जो ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है और फिर भारतीय वायुसेना का फिल्म के अंदर गौरव बढ़ाया है वहीं कलाकारों का अभिनय के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में वरुण तेज वायुसेना पायलट के किरदार में बिल्कुल फिट बैठे हैं उनका फिल्म के अंदर कट आउट उन्हें वायुसेना अधिकारी मानने के लिए काफ़ी है और फिर वरुण तेज ने यह भूमिका बाखूबी निभाई है इमोशनल सीक्वेंस में भी वो अच्छे दिखे हैं एक अन्य वायुसेना अधिकारी के रूप में मनुष्य छिल्लर अपना काम बाखूबी फिल्म के अंदर कर गई है हालांकि इसके बाद में मुख्य जोड़ी या फिर जो है पति पत्नी के रूप में उनके बीच की केमिस्ट्री लगभग जो है शून्य का रेडिंग है नवदीप एक कैमियो निभाते हैं फिल्म में और अगर आप पलक झपकते हैं तो आपको उनकी याद आएगी वहीं रूहानी शर्मा के पास से करने को ज़्यादा कुछ नहीं है जो कि परेश पाहुजा के लिए परेश पाहुजा के दिल को छू लेने वाले रोमांटिक चुटकुले बिल्कुल भी काम नहीं करता है तकनीकी पहलू के बारे में हम बात कर ले तो हरि की सेम्टोग्राफी उत्कृष्ट है एक्शन कोरियोग्राफी विशेष रूप से हवाई लड़ाई और फिर हवाई हमले बहुत ही प्रभावशाली है जो कि दृश्य प्रभाव साफ़ सुथरे फिल्म के अंदर पेश किया गया है वहीं दोस्तों इस फिल्म को चलाने के लिए सेमटोग्राफी एक्शन्स पर प्रकाश डालना चाहते थे दोनों तकनीकी टीम ने अपने काम को अच्छी तरह से अंजाम दिया है जो कि मिकी से मेयर के संगीत का प्रभाव न्यूनतम है वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे नवदीप फिल्म निर्माता शक्ति प्रताप सिंह द्वारा निर्देशित की गई विश्लेषण यानी कॉपरेशन वेलेंटाइन मुख्य रूप से पुलवामा हमले और फिर पाकिस्तानी आतंकवादी समूहों के खिलाफ भारत के हवाई हमलों पर केंद्रित ही है जिन्हें भारत में सबसे घातक आतंकवादी हमलों में से एक माना गया है भारतीय वायुसेना ने भारत सरकार और फ्यजी प्रधानमंत्री के राजनीतिक समर्थन से एक मजबूत जवाबी कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करते हुई यह हवाई हमले के लिए हालांकि फिल्म सीधे तौर पर वास्तविक घटनाओं का संदर्भ नहीं करता है लेकिन उनका अनुमान फिल्म के अंदर आसानी से लगाया जा सकता है मुख्य कहानी फिल्म के अंदर देशभक्ति पूर्ण है और फिर वे सभी भारतीयों में से मेल खाता है हालांकि शक्ति प्रताप सिंह की पदकथा काफ़ी हद तक असंगत है ख़ासकर फिल्म के पहले भाग में जिसमें जुड़ाव का अभाव इस फिल्म के अंदर पेश किया गया है हालांकि फिल्म केवल जो है पुलवामा हमले पर ही ध्यान केंद्रित करने के बजाय साहसी हमलों और फिर जो ऑपरेशन के दौरान ही वायु सेना के पायलटों को प्रदर्शन को चित्रित करने में अधिक रुचि रखता है फिल्म का पर, फिल्म का प्रभारिक जो है भाग मुख्य रूप से पुलवामा हमले से पहले की घटनाओं को चित्रित करता है ये एक के यानी कि एयरबेस पर पात्रों का परिचय देता है और फिर वरुण तेज और फिर जो है मनुष्य छिल्लर द्वारा चित्रित किया गया पति और पत्नी के बीच तनावपूर्ण संबंधों की पड़ताल ये फिल्म करता है जो कि फिल्म के इस खंड को खराब तरीके से निष्पादित किया गया है जो कि वरुण तेज और फिर मनुष्य के बीच संबंधों को दर्शाने वाले दृश्यों में फिल्म के अंदर परमणिक जो है भारतीय भारतीय सार का भाव है और ये सीधे तौर पर एक हॉलीवुड फिल्म से लिया गया प्रतीत होता है उनकी बातचीत एक आम भारतीय जोड़े के बजाय साथी अधिकारियों के बीच की जो है बातचीत जैसी लगती है जो कि एक पति पत्नी की छाप देने में विफल रहते हैं दोनों शुरुआत में आगे पीछे की कहानी दर्शकों को बाधे रखने में थोड़ा सा विफल भी रहता है इस फिल्म के अंदर हालांकि दोस्तों इंटरवल से ठीक पहले कथन में सुधार हो जाता है और फिर दूसरे भाग में प्रभावी ढंग से हमारा ध्यान बनाए रखता है ये फिल्म फिल्म का मुख्य आकर्षण हवाई हमले और फिर जो है मध्यांतर के बाद सामने आने वाली घटनाएं हैं निर्देशक ने भारत के सबसे तीव्र हवाई हमलों को मनमोहक तरीकों से प्रस्तुत किया है जो कि दृश्य एक यानी उत्कृष्ट सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है हालांकि अधिकां अधिकांश फिल्म में भावनात्मक गहराई और फिर जुड़ाव का अभाव है फिल्म की पत्रा कुछ हद तक जो है यानी घिसी पिटी महसूस होती है जिसमें कई पात्रों में अच्छी तरह से विकसित चित्रित अर्क का अभाव रखा गया है जिसमें संपत यानी कि राज उनके और रूहानी शर्मा द्वारा निभाए गए किरदार भी इस फिल्म के अंदर शामिल किया गया है वजह से मनुष्य ने दिए गए स्थानों के भीतर ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सराहनीय रूप से अपने चरित्र को चित्रित इस फिल्म में किया है वही दूसरे भाग में हवाई युद्ध के दृश्य जैसा कि टीम ने नोट किया है कि वास्तव में आकर्षक है ये सभी सीन्स क्योंकि यहाँ पे देशभक्ति उत्साह को प्रभावी दर्शाता है बाकी कलाकार भी अपना सर्वश्रेष्ठ फिल्म देते हैं और फिल्म के किरदारों के अच्छे चित्र में अपना योग्य दान देते हैं वही फिल्म की के नकारात्मक बारे में हम बात करें तो दोस्तों सच्ची घटनाओं के सार को स्क्रीन पर कैद किया गया है फिल्म के अंदर इसे एक साथ सच्ची घटनाओं के ऊपर फिल्म की कहानी को बनाया गया है और ये चुनौतीपूर्ण है जैसा कि ऑपरेशन विलेंटाइन में देखा गया है हालांकि फिल्म के कुछ पल हैं लेकिन कुछ है देशों में जुड़ाव की कमी है जो कि उम्मीदों से कम है वही आतंकी हमले और फिर उसके परिणाम के चित्रण में वंचित प्रभाव का भावी देखने को मिला है जिससे अधिक हृदय किरदार इसके अलावा और इसके अलावा जो है बेदार का दृष्टिकोण का अवसर चुक गया है जो कि भावनात्मक प्रतिध्वनि को बढ़ावा देता है पहले भाग में भारतीय वायु सेना की शक्तियों को उजागर करने के पर्याप्त अवसर के साथ यहाँ पे मुख्य किरदारों के बीच रोमांटिक दृश्यों जैसे कि फिल्म के अंदर आवश्यक दृश्यों से प्रभावित किया गया है वहीं रूहानी शाम यानी कि इस फिल्म के अंदर प्रेश पहुजा उनके अलावा शटाफ फिगार उनके अलावा अली रेजा द्वारा निभाए गए किरदारों का इस देशभक्ति कथा के लिए आवश्यक भावनाओं को जगाने के लिए बेहतर उपयोग किया जा सकता था इस फिल्म के अंदर किसी के साथ इस फिल्म की तकनीकी पहलु के बारे में हम बात कर ले तो जबकि फिल्म के निर्देशक शक्ति प्रताप सिंह हाडा कुछ हद तक सफल काम किए हैं जो कि एक अधिक आकर्षक कथा पेश की है और कसी हुई पदकथा दिखाए हैं ऑपरेशन विलियन टाइन को एक मनोरंजन हवाई एक्शन थ्रिलर में बदला जा सकता था वहीं बता दें कि साई माधवन बुरा का संवाद दर्शकों के बीच बेहतर ढंग से गोज सकते थे क्योंकि खासकर अधिक आकर्षक चीज़ें आपको इस फिल्म में देखने को मिल जाती है अधिक आकर्षक देशभक्ति पूर्ण और फिरपंथियों को इस फिल्म में गौड़ने में हरे के वेदांतम की सिनेमेटोग्राफी भी सराहनीय लायक है हालांकि मिकी जे मेयर का काम यहाँ पे संतोषजनक ही है लेकिन फिल्म में कुछ ऐसे मौके छूट गए हैं जहाँ पे उनका शानदार बैकग्राउंड संगीत समग्र अनुभव को समृद्ध कर सकता था वही दोस्तों संपादक के बारे में हम बात करें तो फिल्म का संपादक नवीन नुल्ली बेहतर गति बढ़ावा देने के लिए पहले भाग में कुछ शो में कटौती कर सकते थे जो कि बी की उचित देखभाल की सराहनीय काम हो सकता था खासकर यथार्थवाद और फ्य जो है यहाँ पे विसर्जन को बढ़ावा देने के लिए दृश्य प्रभाव को मांग किया गया है इस फिल्म के अंदर कुल मिलाकर दोस्तों ऑपरेशन वेलेंटाइन एक अच्छी हवाई एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि आकर्षक हवाई हमले दृश्यों के साथ साथ तेज और फिर मनुष्य छिल्लर के ठोस प्रदर्शन से प्रेरित है हालांकि सुस्त पहला भाग देखने को मिलता जरूर है लेकिन अनुश्यक दृश्य और फिर कुछ स्थानों पर आवश्यक भावनात्मक गहराई की कमी उल्लेखनीय कमियां हैं इसी तरह के दोस्तों हवाई एक्शन ड्रामा से परिचित दर्शक यहाँ पर शायद ऑपरेशन विलेन ट्राइन के साथ ही उतनी दृढ़ता से प्रतिध्वनित नहीं हो लेकिन दूसरों के लिए फिल्म इस हफ्ते के अंत में संतोषजनक मनोरंजन प्रदान करने के लिए काफ़ी आगे बढ़ती है तो इस तरह की कहानी इस फिल्म के अंदर पेश की गई है लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक ऑपरेशन विलिन टैन फिल्म को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस फिल्म को एक बार ज़रूर से देखिए वही दोस्तों ये फिल्म भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि 2019 के पुलवामा आतंकवादी हमले और भारतीय वायुसेना द्वारा दो के जवाबी बालाकोट एयर स्ट्राइकर पर आधारित है फिल्म की कहानी जिसका निर्देशन शक्ति प्रताप सिंह हारा ने किया है जो कि उनके निर्देशन में पहली फिल्म है और इसी के साथ सोनी पिक्चर्स और फिर संदीप जो है मुद्दा द्वारा निर्मित किया गया है इसी के साथ दोस्तों गॉड ब्लेस इंटरटेनमेंट और फिर नंद कुमार अभिने द्वारा स्वनिर्माण के साथ इसे तेलुगु और हिंदी में एक साथ शूट किया गया था इसमें वरुण तेज मनुष्य छिल्लर और उनके राव नवदीप और फिर मीर सरोवर प्रमुख भूमिकाओं में फिल्में नजर आए हैं यह तेज़ की हिंदी फिल्म और फिर छिल्लर की तेलुगु फिल्म की शुरुआत है ये फिल्म 1 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी इसे समीक्षकों और दर्शकों से मिली जुली समीक्षाएं फिल्म को देखने को मिली है दोस्तों इससे पहले 14 अगस्त 2023 को अपने तीसरे शेड्यूल को पूरा करते हुए फिल्म के निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर ही ऑपरेशन विलेन टाइन के रूप में इसका शीर्षक प्रकट किया था सभी के सामने ये दीभाषी प्रोजेक्ट तेलुगू और हिंदी दोनों में ही रिलीज के लिए तैयार किया गया 19 अक्टूबर 2023 को निर्माता ने घोषणा किया था कि फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी पूरी हो चुकी है फिल्म की संगीत के बारे में हम बात कर ले तो साउंड और बैकग्राउंड स्कोर मिकी जे मेयर द्वारा रचित किया गया था वही सारे गामों ने ऑडियो अधिकार हासिल कर लिया फिल्म का पहला एकल वंदे मातरम व फिर जो है वांधा वार्डर पर अनावरण वारण किया गया वहीं रिलीजिंग के बारे में हम बात करें तो मूल रूप से इसे 8 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था वहीं दोस्तों आपको बता दें लेकिन ये जो है थोड़ा सा पोस्ट प्रोडक्शंस कार्यों में देरी हुई थी जिसकी वजह से 16 फरवरी 2024 तक के लिए इसको रोक दिया गया बाद में ये फिल्म वन मार्च दो को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है इसी तरह दोस्तों फिल्म के पोस्ट थिएटर के बारे में हम बात कर ले तो स्ट्रीमिंग अधिकार एमेजन प्राइम वीडियो को बेचा गया है इस फिल्म की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात कर ले तो रेडिफ की तरफ से अर्जुन मिनन ने इस मूवीज़ को फाइव में से थ्री स्टार रेटिंग दिया है ऑपरेशन वेलेंटाइन कुछ उत्साहनपूर्ण और फिर जो है हानि रहित मज़ेदार समय देने के लिए समान वायुसेना कथाओं के यानी कि टेम प्लेट का अनुसरण करता है इसी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से पोल निकोडेम्स ने भी फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट जीरो स्टार रेटिंग दी है और कहा कि ऑपरेशन वेलेंटाइन भारतीय वायुसेना की बहादुरी के लिए एक सम्मानजनक संकेत है जो कि दर्शकों को एक्शन देशभक्ति और नाटक का भी मिश्रण पेश करता है हालांकि ये पहुंच नहीं सकता है और इसके पूर्ववर्ती यानी कि हवाई युद्ध और फ्यजुआई वायुसेना की फिल्मों की भावनात्मक या फ्यो सिनेमाई ऊँचाइयों के बावजूद ये जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में वीरता और फिर जो है बलिदान के अपने उत्साहित चित्रण के लिए एक सभ्य घड़ी बनाती है इसी तरह से दोस्तों द हिंदू की तरफ से संगीता देवी डंडू ने लिखा है कि मुख्य अभिनेता और फिर बोलने योग्य नहीं है क्योंकि उनके बीच के लिखित रिश्ते के साथ लेखन कुछ भी नया पेश नहीं करता है फिर भी ये फिल्म आपको देखने में अच्छा लगेगा द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से रघुबंदी ने इस फिल्म को फाइव में से वन स्टार रेटिंग इन्होंने दिया है और दोस्तों उन्होंने लिखा है कि फिल्म में मानवीय कहानी का अभाव है ग्राफिक कार्य खराब दिखता है और फिर उत्पादन मूल्य वंचित नहीं है जबकि वरुण तेज के प्रदर्शन की प्रशंसाएँ की गई द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने लेखन की आलोचना करते हुए फिल्म को फाइव से टू पॉइंट फाइव स्टार दिया और कहा कि हमने और कहा कि इसमें हमारा ध्यान जो है खींचने के लिए यहाँ पे नबीनतम या फिर जो है आविष्कार नहीं है जो कि टिप्पणी करते हुए कि छिलर खराब भूमिकाओं के बावजूद अपने चरित्र में एक निश्चिंत तीव्रता इस फिल्म के अंदर लाते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों फिल्म में जो चीज़ दिखाया गया है वो देखने लायक है इस फिल्म की कहानी साल दो में हुई आतंकवादी हमला यानी कि में हमले के ऊपर फिल्म की कहानी को बनाया गया है तो फैंस अगर आप लोग इस तरह की फिल्मों को देखना पसंद करते हो और आप लोगों ने अभी इस फिल्म को देख लिया है तो आप इस फिल्म को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं वही दोस्तों ये फिल्म भारतीय वायुसेना की बहादुरी कार्रवाई देशभक्ति और फिर नाटक के समीश का एक सम्मानजनक संकेत है जो कि विपरीत परिस्थितियों में वीरता और बलिदान के जोशीले चित्रण के लिए ये अच्छी घड़ी को पेश करता है वहीं दोस्तों ऑपरेशन अर्जुन देव जिन्होंने रुद्र वरुण तेज के नाम से भी इसको जाना जाता है जो कि एक उत्कृष्ट लड़ाकू पायलट और फिर जो है अहानक गिल यानी कि मनुष्य छिल्लट जो कि भारतीय वायुसेना में एक कमांडर सेंटर अधिकारी है उनकी कहानी को बताया गया है सैन्य वीरता की पृष्ठभूमि पर आधारित उनकी प्रेम कहानी फिल्म के प्रोजेक्ट वज्र में उनकी भागीदारी को फिर से दर्शाती है एक मिशन जो कि एक घातक दुर्घटना में उनके साथी कबीर नवदीप की मृत्यु के साथ दुखद रूप से समाप्त हो गया था ये कहानी लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब श्रीनगर में एक आतंकवादी हमला दोनों को फिर से एकजुट होने के लिए मजबूर करता है और देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मिशनों में एक विशिष्ट यानी कि स्क्वाड का नेतृत्व करता है वही समीक्षक ने बताया कि शक्ति प्रताप सिंह हारा द्वारा निर्देशित की गई शक्ति प्रताप सिंह हारद्वारा ने निर्देशित की की लिए एक है। है जो की जीवन की घटनाओं से टॉप गॉर्न और फिर हवाई युद्ध फिल्म फाइटर जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों की अपरिहार्य तुलना करते हुए अपनी जगह बनाने का प्रयास करता है लेकिन समकालीन भारतीय सैन्य फिर्जुए चुनौतियों और इसके अलावा जो है लचीलेपन के चित्रण के माध्यम से भी एक अलग सवाद पेश करने का प्रयास यह फिल्म करता है इसी तरह से दोस्तों आगे बता दें। फिल्म के हीरो वरुण तेज ने वरुण तेज ने रुद्र के रूप में एक समूहक प्रदर्शन किया है जो कि कौशल और फिर जो है के साथ एक सर्वोत्त विद्रोही पायलट के गुणों को दर्शाते हैं मानुशी छिलर ने अपने टॉलीवुड डेब्यू में अहाना गिल का किरदार निभाया है शालीनता से जो कि दृढ़ विश्वास के साथ निभाया है इन्होंने इस किरदार को और इन किरदारों की बेहतर जुआ स्थापना से ही फिल्म को मदद मिल सकती थी क्योंकि नवदीप रूहानी शर्मा उनके अलावा परेश पहोजा उनके अलावा अली रेजा और फिर है शताफ फिगार इनकी संपत राज और फिर जो है मीर सर्वर शहीद सहायक कलाकार प्रमुख कलाकारों के रूप में इस फिल्म के अंदर नजर आए हैं इसी तरह से दोस्तों हालांकि फिल्म ऊंची उड़ान वाले एक्शन दृश्यों में उत्कृष्ट है और फिर सुरानिया हवाई युद्ध दृश्यों को दिखाता है लेकिन ये अपने पात्रों और उनके रिश्तों को पूरी तरह से उजागर करने में विफल रहती है वादी के पेशे व्यक्तिगत जो है नुकसान और फिर जो है प्रेरणाओं को उजागर करने का फिल्म का प्रयास सराहनीय फिर भी इन पहलुओं को दर्शकों दर्शकों के साथ अधिक गहराई से जोड़ने के लिए आवश्यक भावनात्मक जो है मजबूती का अभाव रखा गया है इसके बाद दोस्तों तेक्निकी रूप से फिल्म अपने दृश्य प्रभाव और फिर छायांकन से प्रभावित करती है हवाई लड़ाई के रोमांस और फिर जो है खतरे को गहरी नज़र से पकड़ती है हालांकि बी फिक्स फिर जो है गुणवत्तापूर्ण और कथा के साथ मिलकर निरंतरता में यहाँ पे विसंगतियाँ कभी कभी जो है यानी कि विसर्जन से ध्यान भटकाती है इसी के साथ मिक्की से मेयर का साउंड और बैकग्राउंड स्कोर प्रभावी ढंग से फिल्म के ऊँचा फिल्म के उतार चढ़ाव को रेखांकित करता है हालांकि एक मजबूत कथा फोक्स फिर समग्र प्रभाव को बढ़ा सकता था अंत में ऑपरेशन वैलेंटाइन भारतीय वायुसेना की बहादुरी का एक सम्मानजनक संकेत भी है जो कि दर्शकों को एक्शन देशभक्ति और फिर नाटक का मिश्रण पेश किया है फिल्म में हालांकि ये अपनी पूर्ववर्ती हवाई युद्ध और फिर वायुसेना फिल्मों की भावनात्मक या फिर जो सिनेमाई ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता है लेकिन विपरीत परिस्थितियों में वीरता और फिर बलिदान के अपने उस उत्साहित चित्रण के लिए एक सभ्य घड़ी को बनाता है जिसे आपको एक बार जरूर से देखना चाहिए वहीं दोस्तों बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो अर्जुन देव वरुण तेज और उनकी पत्नी अहाना गेल मनुष्य छिल्लर भारतीय वायु सेना में विंग कमांडर के पद पर है अर्जुन एक परीक्षण पायलट है जो कि अन्य सैनिकों द्वारा उपयोग किए जाने से पहले सैन्य विमानों का मूल्यांकन करते हैं अर्जुन ने प्रोजेक्ट वज्र तैयार किया जिसमें दृश्यम के रडार की पकड़ से बचने के लिए ज़मीन के करीब उड़ान भर सकते ज़मीन के करीब उड़ान भरना शामिल है अपने परीक्षण मिशन के दौरान ही अर्जुन और फिर आहाना ने अपने करीबी दोस्त यानी कि नवदीप को दुखद रूप से खो दिया जिससे उनके रिश्तों में तनाव पैदा हो गया इसके बाद से दोस्तों अर्जुन ने प्रोजेक्ट वज्र तैयार किया है जिसमें दुश्मन ने दुश्मन के रटवार की, की पकड़ से बचने के लिए ज़मीन के करीब उड़ान भरना शामिल है अपने परीक्षण मिशन के दौरान अर्जुन और फिर आहाना ने अपने करीबी दोस्त नवदीप को दुखद रूप से दुखद रूप से खो दिया जिससे उनके रिश्तों में तनाव पैदा हो गया वहीं आहना अर्जुन से कहती है कि वह भविष्य में उस प्रोजेक्ट पर काम न करे अन्यथा उन्हें जो है ब्रेकअप करना होगा अपनी ज़िंदगी से वहीं पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले करने के बाद जिसमें जो है 40 यानी कि सीआरपीएफ जवानों की शहादत शामिल हुई जो कि भारत सरकार और फिर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी बिशरो आतंकवादी जो है इनकी शिविरों पर हवाई हमले करके जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया और जिनको प्रोजेक्ट वज्र के साथ आगे बढ़ाना होगा जबकि यहाँ पे रडार कमांडर आहाना को यहाँ पे मार्गदर्शन प्रदान करना होगा इस बार अर्जुन ने कैसे जो ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है और फिर भारतीय वायुसेना का फिल्म के अंदर गौरव बढ़ाया है वहीं कलाकारों का अभिनय के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में वरुण तेज वायुसेना पायलट के किरदार में बिल्कुल फिट बैठे हैं उनका फिल्म के अंदर कट आउट उन्हें वायुसेना अधिकारी मानने के लिए काफ़ी है और फिर वरुण तेज ने यह भूमिका बाखूबी निभाई है इमोशनल सीक्वेंस में भी वो अच्छे दिखे हैं एक अन्य वायुसेना अधिकारी के रूप में मनुष्य छिल्लर अपना काम बखूबी फिल्म के अंदर कर गई है हालांकि इसके बाद में मुख्य जोड़ी या फिर जो है पति पत्नी के रूप में उनके बीच की केमिस्ट्री लगभग जो है शून्य का रेडिंग है नवदीप एक कैमियो निभाते हैं फिल्म में और अगर आप पलक झपकते हैं तो आपको उनकी याद आएगी वहीं रूहानी शर्मा के पास से करने को ज़्यादा कुछ नहीं है जो कि परेश पाहुजा के लिए परेश पाहुजा के दिल को छू लेने वाले रोमांटिक चुटकुले बिल्कुल भी काम नहीं करता है तकनीकी पहलू के बारे में हम बात कर ले तो हरि देवान्तम की सेम्टोग्राफी उत्कृष्ट है एक्शन कोरियोग्राफी विशेष रूप से हवाई लड़ाई और फिर हवाई हमले बहुत ही प्रभावशाली है जो कि दृश्य प्रभाव साफ़ सुथरे फ़िल्म के अंदर पेश किया गया है वही दोस्तों इस फिल्म को चलाने के लिए सेम्टोग्राफी एक्शन्स पर प्रकाश डालना चाहते थे दोनों टेक्निकी टीम ने अपने काम को अच्छी तरह से अंजाम दिया है जो कि मिकी जे मेयर के संगीत का प्रभाव न्यूनतम है वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे नवदीप फिल्म निर्माता शक्ति प्रताप सिंह द्वारा निर्देशित की गई विश्लेषण यानी ऑपरेशन वैलेंटाइन मुख्य रूप से पुलवामा हमले और फिर पाकिस्तानी आतंकवादी समूहों के खिलाफ भारत के हवाई हमलों पर केंद्रित ही है जिन्हें भारत में सबसे घातक आतंकवादी हमलों में से एक माना गया है भारतीय वायुसेना ने भारत सरकार और फिर्जी प्रधानमंत्री के राजनीतिक समर्थन से एक मजबूत जवाबी कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करते हुई यह हवाई हमले के लिए हालांकि फिल्म सीधे तौर पर वास्तविक घटनाओं का संदर्भ नहीं करता है लेकिन उनका अनुमान फिल्म के अंदर आसानी से लगाया जा सकता है मुख्य कहानी फिल्म के अंदर देशभक्ति पूर्ण है और फिर वे सभी भारतीयों में से मेल खाता है हालांकि शक्ति प्रताप सिंह की पदकथा का काफ़ी हद तक असंगत है खासकर फिल्म के पहले भाग में जिसमें जुड़ाव का अभाव इस फिल्म के अंदर पेश किया गया है हालांकि फिल्म केवल जो है पुलवामा हमले पर ही ध्यान केंद्रित करने के बजाय साहसी हमलों और फिर जो ऑपरेशन के दौरान ही वायुसेना के पायलटों को प्रदर्शन को चित्रित करने में अधिक रुचि रखता है फिल्म का पर, फिल्म का का प्रभारी जो है भाग मुख्य रूप से पुलवामा हमले से पहले की घटनाओं को चित्रित करता है ये एक के यानी कि एयरबेस पर पात्रों का परिचय देता है और फिर वरुण तेज और फिर जो है मनुष्य छिल्लर द्वारा चित्रित किया गया पति और पत्नी के बीच तनावपूर्ण संबंधों की ताल ये फिल्म करता है जो कि फिल्म के इस खंड को खराब तरीके से निष्पादित किया गया है जो कि वरुण तेज और फिर मनुसी के बीच संबंधों को दर्शाने वाले दृश्यों में फिल्म के अंदर परमणिक जो है भारतीय भारतीय सार का भाव है और ये सीधे तौर पर एक हॉलीवुड फिल्म से लिया गया प्रतीत होता है उनकी बातचीत एक आम भारतीय जोड़े के बजाय साथी अधिकारियों के बीच की जो है बातचीत जैसी लगती है जो कि एक पति पत्नी की छाप देने में विफल रहते हैं दोनों शुरुआत में आगे पीछे की कहानी दर्शकों को बाधे रखने में थोड़ा सा विफल भी रहता है इस फिल्म के अंदर हालांकि दोस्तों इंटरवल से ठीक पहले कथन में सुधार हो जाता है और फिर दूसरे भाग में प्रभावी ढंग से हमारा ध्यान बनाए रखता है ये फिल्म फिल्म का मुख्य आकर्षण हवाई हमले और फिर जो है मध्यांतर के बाद सामने आने वाली घटनाएं हैं निर्देशक ने भारत के सबसे तीव्र हवाई हमलों को मनमोहक तरीकों से प्रस्तुत किया है जो कि दृश्य एक यानी उत्कृष्ट सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है हालांकि अधिकां अधिकांश फिल्म में भावनात्मक गहराई और फिर जुड़ाव का अभाव है फिल्म की पदकथा कुछ हद तक जो है यानि की घिसी पिटी महसूस होती है जिसमें कई पात्रों में अच्छी तरह से विकसित चित्रित अर्क का अभाव रखा गया है जिसमें संपत यानी कि राज उनके और रूहानी शर्मा द्वारा निभाए गए किरदार भी इस फिल्म के अंदर शामिल किया गया है की वजह से मनुष्य छिल्लर ने दिए गए स्थानों के भीतर ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सराहनीय रूप से अपने चरित्र को चित्रित इस फिल्म में किया है वही दूसरे भाग में हवाई युद्ध के दृश्य जैसा कि टीम ने नोट किया है कि वास्तव में आकर्षक है ये सभी सीन्स क्योंकि यहाँ पे देशभक्ति उत्साह को प्रभावी ढंग से दर्शाता है बाकी कलाकार भी अपना सर्वश्रेष्ठ फिल्में देते हैं और फिल्म के किरदारों के अच्छे चित्र में अपना योग्य दान देते हैं वही फिल्म के नकारात्मक बारे में हम बात करें तो दोस्तों सच्ची घटनाओं के सार को स्क्रीन पर कैद किया गया है फिल्म के अंदर इसी साथ सच्ची घटनाओं के ऊपर फिल्म की कहानी को बनाया गया है और ये चुनौतीपूर्ण है जैसा कि ऑपरेशन वेलेंटाइन में देखा गया है हालांकि फिल्म के कुछ पल हैं लेकिन कुछ है दृश्यों में जुड़ाव की कमी है जो कि उम्मीदों से कम है वहीं आतंकी हमले और फिर उसके परिणाम के चित्रण में वंचित प्रभाव का काफ़ी देखने को मिला है जिससे अधिक हृदय किरदार इसके अलावा और इसके अलावा जो है विदार का दृष्टिकोण का अवसर चुक गया है जो कि भावनात्मक प्रतिध्वनि को बढ़ावा देता है पहले भाग में भारतीय वायुसेना की शक्तियों को उजागर करने के पर्याप्त अवसर के साथ यहाँ पे मुख्य किरदारों के बीच रोमांटिक दृश्यों जैसे कि फिल्म के अंदर आवश्यक दृश्यों से प्रभावित किया गया है वही रूहानी शाम यानी कि इस फिल्म के अंदर प्रेश पहुजा उनके अलावा शटाफ फिगार उनके अलावा अली रेजा द्वारा निभाए गए किरदारों का इस देशभक्ति कथा के लिए आवश्यक भावनाओं को जगाने के लिए बेहतर उपयोग किया जा सकता था इस फिल्म के अंदर इसी के साथ इस फिल्म की तकनीकी पहलुओ के बारे में हम बात कर ले तो जबकि फिल्म के निर्देशक शक्ति प्रताप सिंह हाडा कुछ हद तक सफल काम किए हैं जो कि एक अधिक आकर्षक कथा पेश की हैं और कसी हुई पदकथा दिखाए हैं ऑपरेशन विलेंटाइन को एक मनोरंजन हवाई एक्शन थ्रिलर में बदला जा सकता था वहीं बता दें कि साई माधवन बुरा का संवाद दर्शकों के बीच बेहतर ढंग से गूंज सकते थे क्योंकि खासकर अधिक आकर्षक दे चीज़ें आपको इस फिल्म में देखने को मिल जाती है अधिक आकर्षक देशभक्तिपूर्ण और फिर फिरपंथियों को इस फिल्म में गढ़ने में हरे के वेदांतम की स्नेमेटोग्राफी भी सराहनीय लायक है हालांकि मिकी जे मेयर का काम यहाँ पे संतोषजनक ही है लेकिन फिल्म में कुछ ऐसे मौके छूट गए हैं जहाँ पे उनका शानदार बैकग्राउंड संगीत समग्र अनुभव को समृद्ध कर सकता था वही दोस्तों संपादक के बारे में हम बात करें तो फिल्म का संपादक नवीन नुल्ली बेहतर गति बढ़ावा देने के लिए पहले भाग में कुछ देशों में कटौती कर सकते थे जो कि बी एफ एक्स की उचित देखभाल की सराहनीय काम हो सकता था खासकर यथार्थवाद और फ्य जो है यहाँ पे विसर्जन को बढ़ावा देने के लिए दृश्य प्रभाव को मांग किया गया है इस फिल्म के अंदर कुल मिलाकर दोस्तों ऑपरेशन वेलेंटाइन एक अच्छी हवाई एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि आकर्षक हवाई हमले दृश्यों के साथ साथ वरुण तेज और फिर मनुष्य छिल्लर के ठोस प्रदर्शन से प्रेरित है हालांकि सुस्त पहला भाग देखने को मिलता ज़रूर है लेकिन अनुश्यक दृश्य और फिर कुछ स्थानों पर आवश्यक भावनात्मक गहराई की कमी उल्लेखनीय कमियाँ हैं इसी तरह के दोस्तों हवाई एक्शन ड्रामा से परिचित दर्शक यहाँ पर शायद ऑपरेशन विलेन ट्राइन के साथ ही उतनी दृढ़ता से प्रतिध्वनित नहीं हो लेकिन दूसरों के लिए फिल्म इस हफ्ते के अंत में संतोषजनक मनोरंजन प्रदान करने के लिए काफ़ी आगे बढ़ती है तो इस तरह की कहानी इस फिल्म के अंदर पेश की गई है लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक ऑपरेशन विलेन टाइन फिल्म को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस फिल्म को एक बार जरूर से देखिए वही दोस्तों ये फिल्म भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि दो के पुलवामा आतंकवादी हमले और भारतीय वायुसेना द्वारा दो के जवाबी बालाकोट एयर स्ट्राइकर पर आधारित है फिल्म की कहानी जिसका निर्देशन शक्ति प्रताप सिंह हारा ने किया है जो कि उनके निर्देशन में पहली फिल्म है और इसी के साथ सोनी पिक्चर्स और फिर संदीप जो है मुद्दा द्वारा निर्मित किया गया है इसी के साथ दोस्तों गॉड ब्लेस इंटरटेनमेंट और फिर नंद कुमार अभिनेनी द्वारा स्वनिर्माण के साथ इसे तेलुगु और हिंदी में एक साथ शूट किया गया था इसमें वरुण तेज मनुष्य छिल्लर उनके अलावा नवदीप और फिर मीर सरोवर प्रमुख भूमिकाओं में फिल्में नजर आए हैं यह तेज़ की हिंदी फिल्म और फिर छिल्लर की तेलुगु फिल्म की शुरुआत है ये फिल्म 1 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी इसे समीक्षकों और दर्शकों से मिली जुली समीक्षाएं फिल्म को देखने को मिली है दोस्तों इससे पहले 14 अगस्त 2023 को अपने तीसरे शेड्यूल को पूरा करते हुए फिल्म के निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर ही ऑपरेशन विलेन ट्राइन के रूप में इसका शीर्षक प्रकट किया था सभी के सामने ये देवासी प्रोजेक्ट तेलुगु और हिंदी दोनों में ही रिलीज के लिए तैयार किया गया 19 अक्टूबर 2023 को निर्माता ने घोषणा किया था कि फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी पूरी हो चुकी है फिल्म की संगीत के बारे में हम बात कर ले तो साउंड और बैकग्राउंड स्कोर मिकी जे मेयर द्वारा रचित किया गया था वही सारे गामों ने ऑडियो अधिकार हासिल कर लिया फिल्म का पहला एकल वंदे मातरम व वा है वांधा वार्डर पर अनावरण किया गया वहीं रिलीजिंग के बारे में हम बात करें तो मूल रूप से इसे 8 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था वहीं दोस्तों आपको बता दें लेकिन ये जो है थोड़ा सा पोस्ट प्रोडक्शन कार्यों में देरी हुई थी जिसकी वजह से 16 फरवरी 2024 तक के लिए इसको रोक दिया गया बाद में ये फिल्म वन मार्च दो को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है इसी तरह दोस्तों फिल्म के पोस्ट थिएटर के बारे में हम बात कर ले तो स्ट्रीमिंग अधिकार एमजन प्राइम वीडियो को बेचा गया है इस फिल्म की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात कर ले तो रेडिफ की तरफ से अर्जुन मिनन ने इस मूवीज़ को फाइव में से थ्री स्टार रेटिंग दिया है ऑपरेशन वेलेंटाइन कुछ उत्साहनपूर्ण और फिर जो है हानि रहित मजेदार समय देने के लिए समान वायुसेना कथाओं के यानी कि टेम प्लेट का अनुसरण करता है इसी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से पोल निकोडेम्स ने भी फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट जीरो स्टार रेटिंग दी है और कहा कि ऑपरेशन वैलेंटाइन भारतीय वायुसेना की बहादुरी के लिए एक सम्मानजनक संकेत है जो कि दर्शकों को एक्शन देशभक्ति और नाटक का भी मिश्रण पेश करता है हालांकि ये पहुंच नहीं सकता है और इसके पूर्ववर्ती यानी कि हवाई युद्ध और फिरजुआई वायुसेना की फिल्मों की भावनात्मक या फिरजो सिनेमाई ऊंचाइयों के बावजूद ये जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में वीरता और फिर जो है बलिदान के अपने उत्साहित चित्रण के लिए एक सभ्य घड़ी बनाती है इसी तरह से दोस्तों द हिंदू की तरफ से संगीता देवी डंडू ने लिखा है कि मुख्य अभिनेता और फिर भूलने योग्य नहीं है क्योंकि उनके बीच के लिखित रिश्ते के साथ लेखन कुछ भी नया पेश नहीं करता है फिर भी ये फिल्म आपको देखने में अच्छा लगेगा द तो इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से रघुबंदी ने इस फिल्म को फाइव में से वन पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग इन्होंने दिया है और दोस्तों उन्होंने लिखा है कि फिल्म में मानवीय कहानी का अभाव है ग्राफिक कार्य खराब दिखता है और फिर उत्पादन मूल्य वंचित नहीं है जबकि वरुण तेज के प्रदर्शन की प्रशंसाएं की गई द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने लेखन की आलोचना करते हुए फिल्म को फाइव में से टू स्टार दिया और कहा कि हमने और कहा कि इसमें हमारा ध्यान जो है खींचने के लिए यहाँ पे नबीनतम या फिर जो है आविष्कार नहीं है जो कि टिप्पणी करते हुए कि छिलर खराब भूमिकाओं के बावजूद अपने चरित्र में एक निश्चिंत तीव्रता इस फिल्म के अंदर लाते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों फिल्म में जो चीज़ दिखाया गया है वो देखने लायक है इस फिल्म की कहानी साल 2019 में हुई आतंकवादी हमला यानी कि पुलवामे हमले के ऊपर फिल्म की कहानी को बनाया गया है तो फैंस अगर आप लोग इस तरह की फिल्मों को देखना पसंद करते हो और आप लोगों ने अभी इस फिल्म को देख लिया है तो आप इस फिल्म को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं वो वही दोस्तों ये फिल्म भारतीय वायुसेना की बहादुरी कार्रवाई देशभक्ति और फिर नाटक के समीश का एक सम्मानजनक संकेत है जो कि विपरीत परिस्थितियों में वीरता और बलिदान के जोशील चित्रण के लिए ये अच्छी घड़ी को पेश करता है वहीं दोस्तों ऑपरेशन टैन अर्जुन देव जिन्होंने रुद्र वरुण तेज के नाम से भी इसको जाना जाता है जो कि एक उत्कृष्ट लड़ाकू पायलट और फिर जो है आहाना गिल यानी कि मनुष्य छिल्लट जो कि भारतीय वायुसेना में एक कमांडर सेंटर अधिकारी है उनकी कहानी को बताया गया है सैन्य वीरता की पृष्ठभूमि पर आधारित उनकी प्रेम कहानी फिल्म के प्रोजेक्ट वज्र में उनकी भागीदारी को फिर से दर्शाती है एक मिशन जो कि एक घातक दुर्घटना में उनके साथी कबीर नवदीप की मृत्यु के साथ दुखद रूप से समाप्त हो गया था ये कहानी लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब श्रीनगर में एक आतंकवादी हमला दोनों को फिर से एकजुट होने के लिए मजबूर करता है और देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मिशनों में एक विशिष्ट यानी कि स्क्वाड का नेतृत्व करता है वही समीक्षक ने बताया कि शक्ति प्रताप सिंह हारा द्वारा निर्देशित की गई शक्ति प्रताप सिंह हार द्वारा निर्देशित की कि ऑपरेशन भारतीय वायुसेना के लिए एक सिनेमाई है जो कि वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित है प्रतिष्ठित फिल्मों की, है है की अपरिहार्य तुलना करते हुए अपनी जगह बनाने का प्रयास करता है लेकिन समकालीन भारतीय सैन्य फिडजुअ चुनौतियों और इसके अलावा जो है लचीलेपन के चित्रण के माध्यम से भी एक अलग स्वाद पेश करने का प्रयास ये फिल्म करता है इसी तरह से दोस्तों आगे बता दें। फिल्म के हीरो वरुण तेज ने वरुण तेज ने रोद्रा के रूप में एक समूह प्रदर्शन किया है जो कि कौशल और फिर जुए क्रिशमक के साथ एक सर्वोत्कृष्ट विद्रोही पायलट के गुणों को दर्शाते हैं मानुशी छिल्लर ने अपने टॉलीवुड डेब्यू में अहाना गिल का किरदार निभाया है शालीनता से जो कि दृढ़ विश्वास के साथ निभाया है इन्होंने इस किरदार को और इन किरदारों की बेहतर जो है स्थापना से ही फिल्म को मदद मिल सकती थी क्योंकि नवदीप रूहानी शर्मा उनके अलावा परेश पहुजा उनके अलावा अली रेजा और फिर जो शताफ़ फिगार इनकी संपतराज और फिर जो है मीर सर्वर शहीद सहायक कलाकार प्रमुख कलाकारों के रूप में इस फिल्म के अंदर नजर आए हैं इसी तरह से दोस्तों हालांकि फिल्म ऊंची उड़ान वाले एक्शन दृश्यों में उत्कृष्ट है और फिर सुरानिया हवाई यूथ दृश्यों को दिखाता है लेकिन ये अपने पात्रों और उनके रिश्तों को पूरी तरह से उजागर करने में विफल रहती है वाडी के पीछे व्यक्तिगत जो है नुकसान और फिर जो है प्रेरणाओं को उजागर करने का फिल्म का प्रयास सराहनीय फिर भी इन पहलुओं को दर्शकों दर्शकों के साथ अधिक गहराई से जोड़ने के लिए आवश्यक भावनात्मक जो है मजबूती का अभाव रखा गया है इसके बाद दोस्तों तेकनीकी रूप से फिल्म अपने दृश्य प्रभाव और फिर छयांकन से प्रभावित करती है हवाई लड़ाई के रोमांस और फिर जो है खतरे को गहरी नज़र से पकड़ती है हालांकि बी एफिक्स फिर जो है गुणवत्तापूर्ण और कथा के साथ मिलकर निरंतरता में यहाँ पे विसंगतियाँ कभी कभी जो है यानी कि विसर्जन से ध्यान भटकाती है इसी के साथ मिक्की से मेयर का साउंडेड और बैकग्राउंड स्कोर प्रभावी ढंग से फिल्म के ऊंचा फिल्म के उतार चढ़ाव को रेखांकित करता है हालांकि एक मजबूत कथा फोक्स फिर समग्र प्रभाव को बढ़ा सकता था अंत में ऑपरेशन वेलेंटाइन भारतीय वायुसेना की बहादुरी का एक के सम्मानजनक संकेत भी है जो कि दर्शकों को एक्शन देशभक्ति और फिर नाटक का मिश्रण पेश किया है फिल्म में हालांकि ये अपनी पूर्ववर्ती हवाई युद्ध और फिर वायुसेना फिल्मों की भावनात्मक या फिर सिनेमाई ऊंचाईयुद्ध तक नहीं पहुंच सकता है लेकिन विपरीत परिस्थितियों में वीरता और फिर बलिदान के अपने उस उत्साहित चित्रण के लिए एक सभ्य घड़ी को बनाता है जिसे आपको एक बार जरूर से देखना चाहिए वहीं दोस्तों बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो अर्जुन देव वरुण तेज और उनकी पत्नी अहाना गिल मनुष्य छिल्लर भारतीय वायु सेना में विंग कमांडर के पद पर है अर्जुन एक परीक्षण पायलट है जो कि अन्य सैनिकों द्वारा उपयोग किए जाने से पहले सैन्य विमानों का मूल्यांकन करते हैं अर्जुन ने प्रोजेक्ट वज़्र तैयार किया जिसमें दृश्यम के रडार की पकड़ से बचने के लिए ज़मीन के करीब उड़ान भर सकते ज़मीन के करीब उड़ान भरना शामिल है अपने परीक्षण मिशन के दौरान ही अर्जुन और फिर आहाना ने अपने करीबी दोस्त यानी कि नवदीप को दुखद रूप से खो दिया जिससे उनके रिश्तों में तनाव पैदा हो गया इसके बाद से दोस्तों अर्जुन ने प्रोजेक्ट वज़्र तैयार किया है जिसमें दुश्मन ने दुश्मन के रटवार की पकड़ से बचने के लिए ज़मीन के करीब उड़ान भरना शामिल है अपने परीक्षण मिशन के दौरान अर्जुन और फिर आहाना ने अपने करीबी दोस्त नवदीप को दुखद रूप से दुखद रूप से खो दिया जिससे उनके रिश्तों में तनाव पैदा हो गया वहीं आहना अर्जुन से कहती है कि वह भविष्य में उस प्रोजेक्ट पर काम न करे अन्यथा उन्हें जो है ब्रेकअप करना होगा अपनी जिंदगी से वहीं पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले करने के बाद जिसमें जो है चालीस यानी कि सी जवानों की शहादत शामिल हुई जो कि भारत सरकार और फिर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी बिशोरों आतंकवादी जो है कि शिविरों पर हवाई हमले करके जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया और जिनको प्रोजेक्ट वज्र के साथ आगे बढ़ाना होगा जबकि यहाँ पे रडार कमांडर आहाना को यहाँ पे मार्गदर्शन प्रदान करना होगा इस बार अर्जुन ने कैसे जो ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है और फिर भारतीय वायुसेना का फिल्म के अंदर गौरव बढ़ाया है वहीं कलाकारों का अभिनय के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में वरुण तेज वायुसेना पायलट के किरदार में बिल्कुल फिट बैठे हैं उनका फिल्म के अंदर कट आउट उन्हें वायुसेना अधिकारी मानने के लिए काफ़ी है और फिर वरुण तेज ने यह भूमिका बाखूबी निभाई है इमोशनल सीक्वेंस में भी वो अच्छे दिखे हैं एक अन्य वायुसेना अधिकारी के रूप में मनुष्य छिल्लर अपना काम बाखूबी फिल्म के अंदर कर गई है हालांकि इसके बाद में मुख्य जोड़ी या फिर जो है पति पत्नी के रूप में उनके बीच की केमिस्ट्री लगभग जो है सुनने का रेटिंग है नवदीप एक कैमियो निभाते हैं फिल्म में और अगर आप पलक झपकते हैं तो आपको उनकी याद आएगी वहीं रूहानी शर्मा के पास से करने को ज़्यादा कुछ नहीं है जो कि परेश पाहुजा के लिए परेश पाहुजा के दिल को छू लेने वाले रोमांटिक चुटकुले बिल्कुल भी काम नहीं करता है तकनीकी पहलू के बारे में हम बात कर ले तो हरि देवान्तम की सेम्टोग्राफी उत्कृष्ट है एक्शन कोरियोग्राफी विशेष रूप से हवाई लड़ाई और फिर हवाई हमले बहुत ही प्रभावशाली है जो कि दृश्य प्रभाव साफ़ सुथरे फ़िल्म के अंदर पेश किया गया है वही दोस्तों इस फिल्म को चलाने के लिए सेम्टोग्राफी एक्शन्स पर प्रकाश डालना चाहते थे दोनों तकनीकी टीम ने अपने काम को अच्छी तरह से अंजाम दिया है जो कि मिकी जे मेयर के संगीत का प्रभाव न्यूनतम है वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे नवदीप फिल्म निर्माता शक्ति प्रताप सिंह द्वारा निर्देशित की गई विश्लेषण यानी को ऑपरेशन वैलेंटाइन मुख्य रूप से पुलवामा हमले और फिर पाकिस्तानी आतंकवादी समूहों के खिलाफ भारत के हवाई हमलों पर केंद्रित ही है जिन्हें भारत में सबसे घातक आतंकवादी हमलों में से एक माना गया है भारतीय वायुसेना ने भारत सरकार और फिर जो प्रधानमंत्री के राजनीतिक समर्थन से एक मजबूत जवाबी कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करते हुई यह हवाई हमले के लिए हालांकि फिल्म सीधे तौर पर वास्तविक घटनाओं का संदर्भ नहीं करता है लेकिन उनका अनुमान फिल्म के अंदर आसानी से लगाया जा सकता है मुख्य कहानी फिल्म के अंदर देशभक्ति पूर्ण है और फिर जो सभी भारतीयों में से मेल खाता है हालांकि शक्ति प्रताप सिंह की पदकथा काफ़ी हद तक असंगत है ख़ासकर फिल्म के पहले भाग में जिसमें जुड़ाव का अभाव इस फिल्म के अंदर पेश किया गया है हालांकि फिल्म केवल जो है पुलवामा हमले पर ही ध्यान केंद्रित करने के बजाय साहसी हमलों और फिर जो ऑपरेशन के दौरान ही वायुसेना के पायलटों को प्रदर्शन को चित्रित करने में अधिक रुचि रखता है फिल्म का पर फिल्म का प्रभारिक जो है भाग मुख्य रूप से पुलवामा हमले से पहले की घटनाओं को चित्रित करता है ये एक के यानी कि एयरबेस पर पात्रों का परिचय देता है और फिर वरुण तेज और फिर जो है मानुषी छिल्लर द्वारा चित्रित किया गया पति और पत्नी के बीच तनावपूर्ण संबंधों की पड़ताल ये फिल्म करता है जो कि फिल्म के इस खंड को खराब तरीके से निष्पादित किया गया है जो कि वरुण तेज और फिर मनुष्य के बीच संबंधों को दर्शाने वाले दृश्यों में फिल्म के अंदर परमणिक जो है भारतीय भारतीय सार का भाव है और ये सीधे तौर पर एक हॉलीवुड फिल्म से लिया गया प्रतीत होता है उनकी बातचीत एक आम भारतीय जोड़े के बजाय साथ ही अधिकारियों के बीच की जो है बातचीत जैसी लगती है जो कि एक पति पत्नी की छाप देने में विफल रहते हैं दोनों शुरुआत में आगे पीछे की कहानी दर्शकों को बाधे रखने में थोड़ा सा विफल भी रहता है इस फिल्म के अंदर हालांकि दोस्तों इंटरवल से ठीक पहले कथन में सुधार हो जाता है और फिर दूसरे भाग में प्रभावी ढंग से हमारा ध्यान बनाए रखता है ये फिल्म फिल्म का मुख्य आकर्षण हवाई हमले और फिर जो है मध्यांतर के बाद सामने आने वाली घटनाएं हैं निर्देशक ने भारत के सबसे तीव्र हवाई हमलों को मनमोहक तरीकों से प्रस्तुत किया है जो कि दृश्य एक यानी कि उत्कृष्ट सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है हालांकि अधिकांश फिल्म में भावनात्मक गहराई और फिर जुड़ाव का अभाव है फिल्म की पदकथा कुछ हद तक जो है घिसी पीटी महसूस होती है जिसमे कई पात्रों में अच्छी तरह से विकसित चित्रित अभाव रखा गया है जिसमें संपत्त राज और रोहानी शर्मा द्वारा निभाए गए किरदार भी इस फिल्म के अंदर शामिल किया गया है वजह से मनुष्य छिल्लर ने दिए गए स्थानों के भीतर ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सराहनीय रूप से अपने चरित्र को चित्रित इस फिल्म में किया है वही दूसरे भाग में हवाई युद्ध के दृश्य जैसा कि टीम ने नोट किया है कि वास्तव में आकर्षक है ये सभी सीन्स क्योंकि यहाँ पे देशभक्ति उत्साह को प्रभावी ढंग से दर्शाता है बाकी कलाकार भी अपना सर्वश्रेष्ठ फिल्म देते हैं और फिल्म के किरदारों के अच्छे चित्रण में अपना योग्य दान देते हैं वही फिल्म के नकारात्मक अंक के बारे में हम बात करें तो दोस्तों सच्ची घटनाओं के सार को स्क्रीन पर कैद किया गया है फिल्म के अंदर इसी साथ सच्ची घटनाओं के ऊपर फिल्म की कहानी को बनाया गया है और ये चुनौतीपूर्ण है जैसा कि ऑपरेशन विलियनटाइन में देखा गया है हालांकि फिल्म के कुछ पल हैं लेकिन कुछ है दृश्यों में जुड़ाव की कमी है जो कि उम्मीदों से कम है वही आतंकी हमले और फिर उसके परिणाम के चित्रण में वंचित प्रभाव का भावी देखने को मिला है जिससे अधिक हृदय किरदार इसके अलावा और इसके अलावा जो है बेदार का दृष्टिकोण का अवसर चुक गया है जो कि भावनात्मक प्रतिध्वनि को बढ़ावा देता है पहले भाग में भारतीय वायु सेना की शक्तियों को उजागर करने के पर्याप्त अवसर के साथ यहाँ पे मुख्य किरदारों के बीच रोमांटिक दृश्यों जैसे कि फिल्म के अंदर आवश्यक दृश्यों से प्रभावित किया गया है वहीं रूहानी शाम यानी कि इस फिल्म के अंदर प्रेश पहुजा उनके अलावा फिगार उनके अलावा अली रेजा द्वारा निभाए गए किरदारों के का इस देशभक्ति कथा के लिए आवश्यक भावनाओं को जगाने के लिए बेहतर उपयोग किया जा सकता था इस फिल्म के अंदर इसी साथ इस फिल्म की तेक्निकी पहलुओ के बारे में हम बात कर ले तो जबकि फिल्म के निर्देशक शक्ति प्रताप सिंह हाडा कुछ हद तक सफल काम किए हैं जो कि एक अधिक आकर्षक कथा पेश की है और कसी हुई पदकथा दिखाए हैं ऑपरेशन विलियम टाइन को एक मनोरंजन हवाई एक्शन थ्रिलर में बदला जा सकता था वहीं बता दें कि साई माधवन बुरा का संवाद दर्शकों के बीच बेहतर ढंग से गूंज सकते थे क्योंकि खासकर अधिक आकर्षक चीज़ें आपको इस फिल्म में देखने को मिल जाती है अधिक आकर्षक देशभक्तिपूर्ण और फिर फिरपंथियों को इस फिल्म में गौड़ने में हरे के वेदांतम की सिनेमेटोग्राफी भी सराहनीय लायक है हालांकि मिकी जे मेयर का काम यहाँ पे संतोषजनक ही है लेकिन फिल्म में कुछ ऐसे मौके छूट गए हैं जहाँ पे उनका शानदार बैकग्राउंड संगीत समग्र अनुभव को समृद्ध कर सकता था वही दोस्तों संपादक के बारे में हम बात करें तो फिल्म का संपादक नवीन नुल्ली बेहतर गति बढ़ावा देने के लिए पहले भाग में कुछ देशों में कटौती कर सकते थे जो कि बी की उचित देखभाल की सराहनीय काम हो सकता था खासकर यथार्थवाद और फिर जो है यहाँ पे विसर्जन को बढ़ावा देने के लिए दृश्य प्रभाव को मांग किया गया है इस फिल्म के अंदर कुल मिलाकर दोस्तों ऑपरेशन वेलेंटाइन एक अच्छी हवाई एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि आकर्षक हवाई हमले देशों के साथ साथ रुणतेज और फिर मनुष्य छिल्लर के ठोस प्रदर्शन से प्रेरित है हालांकि सुस्त पहला भाग देखने को मिलता जरूर है लेकिन अनावश्यक दृश्य और फिर कुछ स्थानों पर आवश्यक भावनात्मक गहराई की कमी उल्लेखनीय कमियां हैं इसी तरह के दोस्तों हवाई एक्शन ड्रामा से परिचित दर्शक यहाँ पर शायद ऑपरेशन विलेन ट्राइन के साथ ही उतनी दृढ़ता से प्रतिध्वनित नहीं हो लेकिन दूसरों के लिए फिल्म इस हफ्ते के अंत में संतोषजनक मनोरंजन प्रदान करने के लिए काफ़ी आगे बढ़ती है तो इस तरह की कहानी इस फिल्म के अंदर पेश की गई है लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक ऑपरेशन विलेन टाइम फिल्म को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस फिल्म को एक बार जरूर से देखिए भाई दोस्तों ये फिल्म भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि दो के पुलवामा आतंकवादी हमले और भारतीय वायुसेना द्वारा दो के जवाबी बालाकोट एयर स्ट्राइकर पर आधारित है फिल्म की कहानी जिसका निर्देशन शक्ति प्रताप सिंह हारा ने किया है जो कि उनके निर्देशन में पहली फिल्म है और इसी के साथ सोनी पिक्चर्स और फिर संदीप जो है मुद्दा द्वारा निर्मित किया गया है इसी के साथ दोस्तों गॉड ब्लेस इंटरटेनमेंट और फिर नंद कुमार अभिनेनी द्वारा निर्माण के साथ इसे तेलुगु और हिंदी में एक साथ शूट किया गया था इसमें वरुण तेज मनुष्य छिल्लर उनखिलाव नवदीप और फिर मीर सरोवर प्रमुख भूमिकाओं में फिल्में नजर आए हैं यह तेज की हिंदी फिल्म और फिर छिल्लर की तेलुगु फिल्म की शुरुआत है ये फिल्म 1 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी इसे समीक्षकों और दर्शकों से मिली जुली समीक्षाएं फिल्म को देखने को मिली है दोस्तों इससे पहले 14 अगस्त 2023 को अपने तीसरे शेड्यूल को पूरा करते हुए फिल्म के निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर ही ऑपरेशन विलेन ट्वाइन के रूप में इसका शीर्षक प्रकट किया था सभी के सामने ये दूरभाषी प्रोजेक्ट तेलुगु और हिंदी दोनों में ही रिलीज के लिए तैयार किया गया उन्नीस अक्टूबर दो को निर्माता ने घोषणा किया था कि फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी पूरी हो चुकी है फिल्म की संगीत के बारे में हम बात कर ले तो साउंड और बैकग्राउंड स्कोर मिकी जे मेयर द्वारा रचित किया गया था वही सारे गांवों ने ऑडियो अधिकार हासिल कर लिया फिल्म का पहला एकल वंदे मातरम व फिर जो है वाधा वार्डर पर अनावरण किया गया वहीं रिलीजिंग के बारे में हम बात करें तो मूल रूप से इसे 8 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था वहीं दोस्तों आपको बता दें लेकिन ये जो है थोड़ा सा पोस्ट प्रोडक्शन कार्यों में देरी हुई थी जिसकी वजह से 16 फरवरी 2024 तक के लिए इसको रोक दिया गया बाद में ये फिल्म 1 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है इसी तरह दोस्तों फिल्म के पोस्ट थिएटर के बारे में हम बात कर ले तो स्ट्रीमिंग अधिकार एमजन प्राइम वीडियो को बेचा गया है इस फिल्म की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात कर ले तो रेडिफ की तरफ से अर्जुन मिनन ने इस मूवीज़ को फाइव में से थ्री स्टार रेटिंग दिया है ऑपरेशन वेलेंटाइन कुछ उत्साहनपूर्ण और फिर जो है हानि रहित मजेदार समय देने के लिए समान वायुसेना कथाओं के यानी कि टेम प्लेट का अनुसरण करता है इसी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से पोल निकोडेम्स ने भी फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट जीरो स्टार रेटिंग दी है और कहा कि ऑपरेशन वेलेंटाइन भारतीय वायुसेना की बहादुरी के लिए एक सम्मानजनक संकेत है जो कि दर्शकों को एक्शन देशभक्ति और नाटक का भी मिश्रण पेश करता है हालांकि ये पहुंच नहीं सकता है और इसके पूर्ववर्ती यानी कि हवाई युद्ध और फिर जो फ्यजुआई वायुसेना की फिल्मों की भावनात्मक या फिर फ्यु सिनेमाई ऊंचाइयों के बावजूद ये जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में वीरता और फिर जो है बलिदान के अपने उत्साहित चित्रण के लिए एक सभ्य घड़ी बनाती है इसी तरह से दोस्तों द हिंदू की तरफ से संगीता देवी डंडू ने लिखा है कि मुख्य अभिनेता और फिर भूलने योग्य नहीं है क्योंकि उनके बीच के लिखित रिश्ते के साथ लेखन कुछ भी नया पेश नहीं करता है फिर भी ये फिल्म आपको देखने में अच्छा लगेगा द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से रघुबंदी ने इस फिल्म को फाइव में से वन पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग इन्होंने दिया है और दोस्तों उन्होंने लिखा है कि फिल्म में मानवीय कहानी का अभाव है ग्राफिक कार्य खराब दिखता है और फिर उत्पादन मूल्य वंचित नहीं है जबकि वरुण तेज के प्रदर्शन की प्रशंसाएँ की गई द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने लेखन की आलोचना करते हुए फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिया और कहा कि हमने और कहा कि इसमें हमारा ध्यान जो है खींचने के लिए यहाँ पे नबीनतम या फिर जो है आविष्कार नहीं है जो कि टिप्पणी करते हुए कि छिलर खराब भूमिकाओं के बावजूद अपने चरित्र में एक निश्चिंत तीव्रता इस फिल्म के अंदर लाते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों फिल्म में जो चीज़ दिखाया गया है वो देखने लायक है इस फिल्म की कहानी साल 2019 में हुई आतंकवादी हमला यानी कि पुलवामा हमले के ऊपर फिल्म की कहानी को बनाया गया है तो फैंस अगर आप लोग इस तरह की फिल्मों को देखना पसंद करते हो और आप लोगों ने अभी इस फिल्म को देख लिया है तो आप इस फिल्म को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं वही दोस्तों ये फिल्म भारतीय वायुसेना की बहादुरी कार्रवाई देशभक्ति और फिर नाटक के समीश का एक सम्मानजनक संकेत है जो कि विपरीत परिस्थितियों में वीरता और बलिदान के जोशीले चित्रण के लिए ये अच्छी घड़ी को पेश करता है वहीं दोस्तों ऑपरेशन अर्जुन देव जिन्होंने रुद्र वरुण तेज के नाम से भी इसको जाना जाता है जो कि एक उत्कृष्ट लड़ाकू पायलट और फिर जो है अहानक गिल यानी कि मनुष्य छिल्लर जो कि भारतीय वायुसेना में एक कमांडर सेंटर अधिकारी है उनकी कहानी को बताया गया है सैन्य वीरता की पृष्ठभूमि पर आधारित उनकी प्रेम कहानी फिल्म के प्रोजेक्ट वज्र में उनकी भागीदारी को फिर से दर्शाती है एक मिशन जो कि एक घातक दुर्घटना में उनके साथी कबीर नवदीप की मृत्यु के साथ दुखद रूप से समाप्त हो गया था ये कहानी लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब श्रीनगर में एक आतंकवादी हमला दोनों को फिर से एकजुट होने के लिए मजबूर करता है और देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मिशनों में एक विशिष्ट यानी कि स्क्वाड का नेतृत्व करता है वही समीक्षक ने बताया कि शक्ति प्रताप सिंह हारा द्वारा निर्देशित की गई शक्ति प्रताप सिंह हार द्वारा निर्देशित की गई ऑपरेशन वेलेंटाइन भारतीय वायुसेना के लिए एक सिनेमाई श्रद्धांजलि है जो कि वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित है देशभक्ति रोमांस और फिर एक्शन के तत्वों का मिश्रण है ये फिल्म यानी कि टॉप गॉन और फिर है हालिया हवाई है युद्ध फिल्म फाइटर जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों की अपरिहार्य तुलना करते हुए अपनी जगह बनाने का प्रयास करता है लेकिन समकालीन भारतीय सैन्य फिरजुआ चुनौतियों और इसके अलावा जो है लचीलेपन के चित्रण के माध्यम से भी एक अलग सवाद पेश करने का प्रयास ये फिल्म करता है इसी तरह से दोस्तों आगे बता दें फिल्म के हीरो वरुण तेज ने वरुण तेज ने रुद्र के रूप में एक समूहक प्रदर्शन किया है जो कि कौशल और फिर जो है के साथ एक सर्वोत्कृष्ट विद्रोही पायलट के गुणों को दर्शाते हैं मानुषी छिलर ने अपने टॉलीवुड डेब्यू में आहाना गिल का किरदार निभाया है शालीनता से जो कि दृढ़ विश्वास के साथ निभाया है इन्होंने इस किरदार को और इन किरदारों की बेहतर जो है स्थापना से ही फिल्म को मदद मिल सकती थी क्योंकि नवदीप रूहानी शर्मा उनके अलावा परेश पहोजा उनके अलावा अली रेजा और है शताफ फिगार इनकी चंपत राज और है मीर सर्वर शहीद सहायक कलाकार प्रमुख कलाकारों के रूप में इस फिल्म के अंदर नजर आए हैं इसी तरह से दोस्तों हालांकि फिल्म ऊंची उड़ान वाले एक्शन दृश्यों में उत्कृष्ट है और फिर सुरानिया हवाई युद्ध दृश्यों को दिखाता है लेकिन ये अपने पात्रों और उनके रिश्तों को पूरी तरह से उजागर करने में विफल रहती है वादी के पीछे व्यक्तिगत जो है नुकसान और फिर जो है प्रेरणाओं को उजागर करने का फिल्म का प्रयास सराहनीय फिर भी इन पहलुओं को दर्शकों दर्शकों के साथ अधिक गहराई से जोड़ने के लिए आवश्यक भावनात्मक जो है मजबूती का अभाव रखा गया है इसके बाद दोस्तों तकनीकी रूप से फिल्म अपने दृश्य प्रभाव और फिर छायांकन से प्रभावित करती है हवाई लड़ाई के रोमांस और फिर जो है खतरे को गहरी नज़र से पकड़ती है हालांकि बी फिक्स फिर जो है गुणवत्तापूर्ण और कथा के साथ मिलकर निरंतरता में यहाँ पे विसंगतियाँ कभी कभी जो है यानी कि विसर्जन से ध्यान भटकाती है इसी के साथ मिक्की से मेयर का साउंडेड और बैकग्राउंड स्कोर प्रभावी ढंग से फिल्म के ऊंचा फिल्म के उतार चढ़ाव को रेखांकित करता है हालांकि एक मजबूत कथा फोक्स फिर समग्र प्रभाव को बढ़ा सकता था अंत में ऑपरेशन वैलेंटाइन भारतीय वायुसेना की बहादुरी का एक सम्मानजनक संकेत भी है जो कि दर्शकों को एक्शन देशभक्ति और फिर नाटक का मिश्रण पेश किया है फिल्म में हालांकि ये अपनी पूर्ववर्ती हवाई युद्ध और फिर वायुसेना फिल्मों की भावनात्मक या फिर जो सिनेमाई उच्चाई तक नहीं पहुंच सकता है लेकिन विपरीत परिस्थित में वीरता और फिर बलिदान के अपने उत्साहित चित्रण के लिए एक सभ्य घड़ी को बनाता है जिसे आपको एक बार जरूर से देखना चाहिए वहीं दोस्तों बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो अर्जुन देव वरुण तेज और उनकी पत्नी अहाना गिल मनुष्य छिल्लर भारतीय वायु सेना में विंग कमांडर के पद पर है अर्जुन एक परीक्षण पायलट है जो कि अन्य सैनिकों द्वारा उपयोग किए जाने से पहले सैन्य विमानों का मूल्यांकन करते हैं अर्जुन ने प्रोजेक्ट वज़्र तैयार किया जिसमें दृश्यम के रडार की पकड़ से बचने के लिए ज़मीन के करीब उड़ान भर सकते ज़मीन के करीब उड़ान भरना शामिल है अपने परीक्षण मिशन के दौरान ही अर्जुन और फिर आहाना ने अपनी करीबी दोस्त यानी कि नवदीप को दुखद रूप से खो दिया जिससे उनके रिश्तों में तनाव पैदा हो गया इसके बाद से दोस्तों अर्जुन ने प्रोजेक्ट वज्र तैयार किया है जिसमें दुश्मन ने दुश्मन के रटवार की, की पकड़ से बचने के लिए ज़मीन के करीब उड़ान भरना शामिल है अपने परीक्षण मिशन के दौरान अर्जुन और फिर आहाना ने अपने करीबी दोस्त नवदीप को दुखद रूप से दुखद रूप से खो दिया जिससे उनके रिश्तों में तनाव पैदा हो गया वहीं आहाना अर्जुन से कहती है कि वह भविष्य में उस प्रोजेक्ट पर काम न करे अन्यथा उन्हें जो है ब्रेकअप करना होगा अपनी ज़िंदगी से वहीं पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले करने के बाद जिसमें जो है 40 यानी कि सीआरपीएफ जवानों की शहादत शामिल हुई जो कि भारत सरकार और फिर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी बिशरो आतंकवादी जो इनकी शिविरों पर हवाई हमले करके जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया अर्जुन को प्रोजेक्ट वज्र के साथ आगे बढ़ाना होगा जबकि यहाँ पे रडार कमांडर आहाना को यहाँ पे मार्गदर्शन प्रदान करना होगा इस बार अर्जुन ने कैसे जो ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है और फिर भारतीय वायुसेना का फिल्म के अंदर गौरव बढ़ाया है वहीं कलाकारों का अभिनय के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में वरुण तेज वायुसेना पायलट के किरदार में बिल्कुल फिट बैठे हैं उनका फिल्म के अंदर कट आउट उन्हें वायुसेना अधिकारी मानने के लिए काफ़ी है और फिर वरुण तेज ने यह भूमिका बाखूबी निभाई है इमोशनल सिक्वेंस में भी वो अच्छे दिखे हैं एक अन्य वायुसेना अधिकारी के रूप में मनुष्य छिल्लर अपना काम बखूबी फिल्म के अंदर कर गई है हालांकि इसके बाद में मुख्य जोड़ी या फिर जो है पति पत्नी के रूप में उनके बीच की केमिस्ट्री लगभग जो है सुनने का रेडिंग है नवदीप एक कैमियो निभाते हैं फिल्म में और अगर आप पलक झपकते हैं तो आपको उनकी याद आएगी वहीं रूहानी शर्मा के पास से करने को ज़्यादा कुछ नहीं है जो कि परेश पाहुजा के लिए परेश पाहुजा के दिल को छू लेने वाले रोमांटिक चुटकुले बिल्कुल भी काम नहीं करता है तकनीकी पहलू के बारे में हम बात कर ले तो हरि दिवानतम की सेम्टोग्राफी उत्कृष्ट है एक्शन कोरियोग्राफी विशेष रूप से हवाई लड़ाई और फिर हवाई हमले बहुत ही प्रभावशाली है जो कि दृश्य प्रभाव साफ़ सुथरे फ़िल्म के अंदर पेश किया गया है वही दोस्तों इस फिल्म को चलाने के लिए सेम्टोग्राफ़ी एक्शन्स पर प्रकाश डालना चाहते थे दोनों टेक्निकी टीम ने अपने काम को अच्छी तरह से अंजाम दिया है जो कि मिकी जे मेयर के संगीत का प्रभाव न्यूनतम है वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे नवदीप फिल्म निर्माता शक्ति प्रताप सिंह द्वारा निर्देशित की गई विश्लेषण यानी को ऑपरेशन वैलेंटाइन मुख्य रूप से पुलवामा हमले और फिर पाकिस्तानी आतंकवादी समूहों के खिलाफ भारत के हवाई हमलों पर केंद्रित ही है जिन्हें भारत में सबसे घातक आतंकवादी हमलों में से एक माना गया है भारतीय वायुसेना ने भारत सरकार और फ्यूज प्रधानमंत्री के राजनीतिक समर्थन से एक मजबूत जवाबी कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करते हुई यह हवाई हमले के लिए हालांकि फिल्म सीधे तौर पर वास्तविक घटनाओं का संदर्भ नहीं करता है लेकिन उनका अनुमान फिल्म के अंदर आसानी से लगाया जा सकता है मुख्य कहानी फिल्म के अंदर देशभक्ति पूर्ण है और फिर वे सभी भारतीयों में से मेल खाता है हालांकि शक्ति प्रताप सिंह की पदकथा काफ़ी हद तक असंगत है ख़ासकर फिल्म के पहले भाग में जिसमें जुड़ाव का अभाव इस फिल्म के अंदर पेश किया गया है हालांकि फिल्म केवल जो है पुलवामा हमले पर ही ध्यान केंद्रित करने के बजाय साहसी हमलों और फिर जो ऑपरेशन के दौरान ही वायुसेना के पायलटों को प्रदर्शन को चित्रित करने में अधिक रुचि रखता है फिल्म का पर फिल्म का प्रभारिक जो है भाग मुख्य रूप से पुलवामा हमले से पहले की घटनाओं को चित्रित करता है ये एक के यानी कि एयरबेस पर पात्रों का परिचय देता है और फिर वरुण तेज और फिर जो है मानुषी छिल्लर द्वारा चित्रित किया गया पति और पत्नी के बीच तनावपूर्ण संबंधों की पड़ताल ये फिल्म करता है जो कि फिल्म के इस खंड को खराब तरीके से निष्पादित किया गया है जो कि वरुण तेज और फिर मनुष्य के बीच संबंधों को दर्शाने वाले दृश्यों में फिल्म के अंदर परमणिक जो है भारतीय भारतीय सार का भाव है और ये सीधे तौर पर एक हॉलीवुड फिल्म से लिया गया प्रतीत होता है उनकी बातचीत एक आम भारतीय जोड़े के बजाय साथी अधिकारियों के बीच की जो है बातचीत जैसी लगती है जो कि एक पति पत्नी की छाप देने में विफल रहते हैं दोनों शुरुआत में आगे पीछे की कहानी दर्शकों को बाधे रखने में थोड़ा सा विफल भी रहता है इस फिल्म के अंदर हालांकि दोस्तों इंटरवल से ठीक पहले कथन में सुधार हो जाता है और फिर दूसरे भाग में प्रभावी ढंग से हमारा ध्यान बनाए रखता है ये फिल्म फिल्म का मुख्य आकर्षण हवाई हमले और फिर जो है मध्यांतर के बाद सामने आने वाली घटनाएं हैं निर्देशक ने भारत के सबसे तीव्र हवाई हमलों को मनमोहक तरीक़ों से प्रस्तुत किया है जो कि दृश्य एक यानी कि उत्कृष्ट सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है हालांकि अधिकां अधिकांश फिल्म में भावनात्मक गहराई और फिर जुड़ाव का अभाव है फिल्म की पदकथा कुछ हद हाँ तक जो है इनकी घिसी पिटी महसूस होती है जिसमें कई पात्रों में अच्छी तरह से विकसित चित्रित आग अर्क का अभाव रखा गया है जिसमें संपत्त यानी कि राज और रूहानी शर्मा द्वारा निभाए गए किरदार भी इस फिल्म के अंदर शामिल किया गया है की वजह से मनुष्य छिल्लर ने दिए गए स्थानों के भीतर ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सराहनीय रूप से अपने चरित्र को चित्रित इस फिल्म में किया है वही दूसरे भाग में हवाई युद्ध के दृश्य जैसा कि टीम ने नोट किया है कि वास्तव में आकर्षक है ये सभी सीन्स क्योंकि यहाँ प्रदेश देशभक्ति के उत्साह को प्रभावी ढंग से दर्शाता है बाकी कलाकार भी अपना सर्वश्रेष्ठ फिल्में देते हैं और फिल्म के किरदारों के अच्छे चित्रण में अपना योग्य दान देते हैं वही फिल्म के नकारात्मक अंक के बारे में हम बात करें तो दोस्तों सच्ची घटनाओं के सार को स्क्रीन पर कैद किया गया है फिल्म के अंदर इसी के साथ सच्ची घटनाओं के ऊपर फिल्म की कहानी को बनाया गया है और ये चुनौतीपूर्ण है जैसा कि ऑपरेशन विलेंटाइन में देखा गया है हालांकि फिल्म के कुछ पल है लेकिन कुछ देशों में जुड़ाव की कमी है जो कि उम्मीदों से कम है वहीं आतंकी हमले और फिर उसके परिणाम के चित्रण में वंचित प्रभाव का भाफी देखने को मिला है जिससे अधिक हृदय किरदार इसके अलावा और इसके अलावा जो है विदार का दृष्टिकोण का अवसर चुक गया है जो कि भावनात्मक बढ़ती को बढ़ावा देता है पहले भाग में भारतीय वायुसेना की शक्तियों को उजागर करने के पर्याप्त अवसर के साथ यहाँ पे मुख्य किरदारों के बीच रोमांटिक दृश्यों जैसे कि फिल्म के अंदर आवश्यक दृश्यों से प्रभावित किया गया है वही रूहानी शाम यानी कि इस फिल्म के अंदर प्रेश पहुजा उनके अलावा फिगार उनके अलावा अली रेजा द्वारा निभाए गए किरदारों का इस देशभक्ति कथा के लिए आवश्यक भावनाओं को जगाने के लिए बेहतर उपयोग किया जा सकता था इस फिल्म के अंदर इसी के साथ इस फिल्म की टेक्निकी पहलु के बारे में हम बात कर ले तो जबकि फिल्म के निर्देशक शक्ति प्रताप सिंह हाडा कुछ हद तक सफल काम किए हैं जो कि एक अधिक आकर्षक कथा पेश की है और कसी हुई पदकथा दिखाए हैं ऑपरेशन विलियन ट्राइन को एक मनोरंजन हवाई एक्शन थ्रिलर में बदला जा सकता था वहीं बता दें कि साई माधवन बुरा का संवाद दर्शकों के बीच बेहतर ढंग से गोज सकते थे क्योंकि खासकर अधिक आकर्षक दे चीज़ें आपको इस फिल्म में देखने को मिल जाती है अधिक आकर्षक देशभक्ति पूर्ण और फिरपंथियों को इस फिल्म में गौड़ने में हरे के वेदांतम की स्नेमेटोग्राफी भी सराहनीय लायक है हालांकि मिकी जे मेयर का काम यहाँ पे संतोषजनक ही है लेकिन फिल्म में कुछ ऐसे मौके छूट गए हैं जहाँ पे उनका शानदार बैकग्राउंड संगीत समग्र अनुभव को समृद्ध कर सकता था वही दोस्तों संपादक के बारे में हम बात करें तो फिल्म का संपादक नबीन नुल्ली बेहतर गति बढ़ावा देने के लिए पहले भाग में कुछ शो में कटौती कर सकते थे जो कि बी एफ एक्स की उचित देखभाल की सराहनीय काम हो सकता था खासकर यथार्थवाद और फिर जो है यहाँ पे विसर्जन को बढ़ावा देने के लिए दृश्य प्रभाव को मांग किया गया है इस फिल्म के अंदर कुल मिलाकर दोस्तों ऑपरेशन विलेंटाइन एक अच्छी हवाई एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि आकर्षक हवाई हमले दीर्शियों के साथ साथ उरुणतेज और फिर मनुष्य छिल्लर के ठोस प्रदर्शन से प्रेरित है हालांकि सुस्त पहला भाग देखने को मिलता जरूर है लेकिन अनुश्यक दृश्य और फिर कुछ स्थानों पर आवश्यक भावनात्मक गहराई की कमी उल्लेखनीय कमियां है इसी तरह के दोस्तों हवाई एक्शन ड्रामा से परिचित दर्शक यहाँ पर शायद ऑपरेशन विलेन ट्राइन के साथ ही उतनी दृढ़ता से प्रतिध्वनित नहीं हो लेकिन दूसरों के लिए फिल्म इस हफ्ते के अंत में संतोषजनक मनोरंजन प्रदान करने के लिए काफ़ी आगे बढ़ती है तो इस तरह की कहानी इस फिल्म के अंदर पेश की गई है लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक ऑपरेशन विलेन टाइन फिल्म को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस फिल्म को एक बार जरूर से देखिए भाई दोस्तों ये फिल्म भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि दो के पुलवामा आतंकवादी हमले और भारतीय वायुसेना द्वारा दो के जवाबी बालाकोट एयर स्ट्राइकर पर आधारित है फिल्म की कहानी जिसका निर्देशन शक्ति प्रताप सिंह हारा ने किया है जो कि उनके निर्देशन में पहली फिल्म है और इसी के साथ सोनी पिक्चर्स और फिर संदीप जो है मुद्दा द्वारा निर्मित किया गया है इसी के साथ दोस्तों गॉड ब्लेस एंटरटेनमेंट और फिर नंद कुमार अभिनेनी द्वारा स्वनिर्माण के साथ इसे तेलुगु और हिंदी में एक साथ शूट किया गया था इसमें वरुण तेज मनुष्य छिल्लर और उनखिलाव नवदीप और फिर मीर सरोवर प्रमुख भूमिकाओं में फिल्में नजर आए हैं यह तेज़ की हिंदी फिल्म और फिर छिल्लर की तेलुगु फिल्म की शुरुआत है ये फिल्म 1 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी इसे समीक्षकों और दर्शकों से मिली जुली समीक्षाएं फिल्म को देखने को मिली है दोस्तों इससे पहले 14 अगस्त 2023 को अपने तीसरे शेड्यूल को पूरा करते हुए फिल्म के निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर ही ऑपरेशन विलेन टाइन के रूप में इसका शीर्षक प्रकट किया था सभी के सामने ये दूरभाषी प्रोजेक्ट तेलुगू और हिंदी दोनों में ही रिलीज के लिए तैयार किया गया 19 अक्टूबर 2023 को निर्माता ने घोषणा किया था कि फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी पूरी हो चुकी है फिल्म की संगीत के बारे में हम बात कर ले तो साउंड और बैकग्राउंड स्कोर मिकी जे मेयर द्वारा रचित किया गया था वही सारे गांवों ने ऑडियो अधिकार हासिल कर लिया फिल्म का पहला एकल वंदे मातरम व फेयर जूहे वाधा वार्डर पर अनावरण किया गया वहीं रिलीजिंग के बारे में हम बात करें तो मूल रूप से इसे 8 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था वहीं दोस्तों आपको बता दें लेकिन ये जो है थोड़ा सा पोस्ट प्रोडक्शंस कार्यों में देरी हुई थी जिसकी वजह से 16 फरवरी 2024 तक के लिए इसको रोक दिया गया बाद में ये फिल्म 1 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है इसी तरह दोस्तों फिल्म के पोस्ट थिएटर के बारे में हम बात कर लें तो स्ट्रीमिंग अधिकार एमजन प्राइम वीडियो को बेचा गया है इस फिल्म की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात कर ले तो रेडिफ की तरफ से अर्जुन मिनन ने इस मूवीज़ को फाइव में से थ्री स्टार रेटिंग दिया है ऑपरेशन वेलेंटाइन कुछ उत्साहनपूर्ण और फिर जो है हानि रहित मजेदार समय देने के लिए समान वायुसेना कथाओं के यानी कि टेम प्लेट का अनुसरण करता है इसी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से पोल निकोडेम्स ने भी फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट जीरो स्टार रेटिंग दी है और कहा कि ऑपरेशन वेलेंटाइन भारतीय वायुसेना की बहादुरी के लिए एक सम्मानजनक संकेत है जो कि दर्शकों को एक्शन देशभक्ति और नाटक का भी मिश्रण पेश करता है हालांकि ये पहुंच नहीं सकता है और इसके पूर्ववर्ती यानी कि हवाई युद्ध और फिर जो है वायुसेना की फिल्मों की भावनात्मक या फिर जुए सिनेमाई ऊंचाइयों के बावजूद ये जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में वीरता और फिर जो है बलिदान के अपने उत्साहित चित्रण के लिए एक सभ्य घड़ी बनाती है इसी तरह से दोस्तों द हिंदू की तरफ से संगीता देवी डंडू ने लिखा है कि मुख्य अभिनेता और फिर भूलने योग्य नहीं है क्योंकि उनके बीच के लिखित रिश्ते के साथ लेखन कुछ भी नया पेश नहीं करता है फिर भी ये फिल्म आपको देखने में अच्छा लगेगा द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से रघुबंदी ने इस फिल्म को फाइव में से वन पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग इन्होंने दिया है और दोस्तों उन्होंने लिखा है कि फिल्म में मानवीय कहानी का अभाव है ग्राफिक कार्य खराब दिखता है और फिर उत्पादन मूल्य वंचित नहीं है जबकि वरुण तेज के प्रदर्शन की प्रशंसाएँ की गई द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने लेखन की आलोचना करते हुए फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिया और कहा कि हमने और कहा कि इसमें हमारा ध्यान जो है खींचने के लिए यहाँ पे नबीनतम या फिर जो है आविष्कार नहीं है जो कि टिप्पणी करते हुए कि छिलर खराब भूमिकाओं के बावजूद अपने चरित्र में एक निश्चिंत तीव्रता इस फिल्म के अंदर लाते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों फिल्म में जो चीज़ दिखाया गया है वो देखने लायक है इस फिल्म की कहानी साल दो में हुई आतंकवादी हमला यानी कि पुलवामे हमले के ऊपर फिल्म की कहानी को बनाया गया है तो फैंस अगर आप लोग इस तरह की फिल्मों को देखना पसंद करते हो और आप लोगों ने अभी इस फिल्म को देख लिया है तो आप इस फिल्म को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं वही दोस्तों ये फिल्म भारतीय वायुसेना की बहादुरी कार्रवाई देशभक्ति और फिर नाटक के समीश का एक सम्मानजनक संकेत है जो कि विपरीत परिस्थितियों में वीरता और बलिदान के जोशील चित्रण के लिए ये अच्छी घड़ी को पेश करता है वहीं दोस्तों ऑपरेशन अर्जुन देव जिन्होंने रुद्र वरुण तेज के नाम से भी इसको जाना जाता है जो कि एक उत्कृष्ट लड़ाकू पायलट और फिर जो है अहाना गिल यानी कि मनुष्य छिल्लर जो कि भारतीय वायुसेना में एक कमांडर सेंटर अधिकारी है उनकी कहानी को बताया गया है सैन्य वीरता की पृष्ठभूमि पर आधारित उनकी प्रेम कहानी फिल्म के प्रोजेक्ट वज्र में उनकी भागीदारी को फिर से दर्शाती है एक मिशन जो कि एक घातक दुर्घटना में उनके साथी कबीर नवदीप की मृत्यु के साथ दुखद रूप से समाप्त हो गया था ये कहानी लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब श्रीनगर में एक आतंकवादी हमला दोनों को फिर से एकजुट होने के लिए मजबूर करता है और देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मिशनों में एक विशिष्ट यानी कि स्क्वाड का नेतृत्व करता है वही समीक्षक ने बताया कि शक्ति प्रताप सिंह हारा द्वारा निर्देशित की गई शक्ति प्रताप सिंह हार द्वारा निर्देशित की कि ऑपरेशन भारतीय के लिए फिल्म हवाई यूथ फिल्म फाइटर जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों की अपरिहार्य तुलना करते हुए अपनी जगह बनाने का प्रयास करता है लेकिन समकालीन भारतीय सैन्य फिर्जुए चुनौतियों और इसके अलावा जो है लचीलेपन के चित्रण के माध्यम से भी एक अलग सवाद पेश करने का प्रयास ये फिल्म करता है इसी तरह से दोस्तों आगे बता दें फिल्म के हीरो वरुण तेज ने वरुण तेज ने रुद्र के रूप में एक समूहक प्रदर्शन किया है जो कि कौशल और फिर जुए क्रिसम के साथ एक सर्वोत्कृष्ट विद्रोही पायलट के गुणों को दर्शाते हैं मानुस छिलर ने अपने टॉलीवुड डेब्यू में अहाना गिल का किरदार निभाया है शालीनता से जो कि दृढ़ विश्वास के साथ निभाया है इन्होंने इस किरदार को और इन किरदारों की बेहतर जो है स्थापना से ही फिल्म को मदद मिल सकती थी क्योंकि नवदीप रूहानी शर्मा उनके अलावा परेश पहुजा उनके अलावा अली रेजा और फिर शता और फिर सहायक कलाकार प्रमुख कलाकारों के रूप में इस फिल्म के अंदर नजर आए हैं इसी तरह से दोस्तों हालांकि फिल्म ऊंची उड़ान वाले एक्शन दृश्यों में उत्कृष्ट है और फिर सुरानिया हवाई युद्ध दृश्यों को दिखाता है लेकिन ये अपने पात्रों और उनके रिश्तों को पूरी तरह से उजागर करने में विफल रहती है वर्दी के पेशे व्यक्तिगत जो है नुकसान और फिर जो है प्रेरणाओं को उजागर करने का फिल्म का प्रयास सराहनीय है फिर भी इन पहलुओं को दर्शकों दर्शकों के साथ अधिक गहराई से जोड़ने के लिए और श्यक्त भावनात्मक जो है मजबूती का अभाव रखा गया है इसके बाद दोस्तों टेक्निकी रूप से फिल्म अपने दृश्य प्रभाव और फिर छायांकन से प्रभावित करती है हवाई लड़ाई के रोमांस और फिर जो है खतरे को गहरी नज़र से पकड़ती है हालांकि बी एफिक्स फिर जो है गुणवत्तापूर्ण और कथा के साथ मिलकर निरंतरता में यहाँ पे विसंगतियाँ कभी कभी जो है यानी कि विसर्जन से ध्यान भटकाती है इसी के साथ मिक्की से मेयर का साउंड और बैकग्राउंड स्कोर प्रभावी ढंग से फिल्म के ऊंचा फिल्म के उतार चढ़ाव को रेखांकित करता है हालांकि एक मजबूत कथा फोक्स फिर समग्र प्रभाव को बढ़ा सकता था अंत में ऑपरेशन वैलेंटाइन भारतीय वायुसेना की बहादुरी का एक के सम्मानजनक संकेत भी है जो कि दर्शकों को एक्शन देशभक्ति और फिर नाटक का मिश्रण पेश किया है फिल्म में हालांकि ये अपनी पूर्ववर्ती हवाई युद्ध और फिर वायुसेना फिल्मों की भावनात्मक या फिर जो सिनेमाई ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता है लेकिन विपरीत परिस्थितियों में वीरता और फिर बलिदान के अपने उस उत्साहित चित्रण के लिए एक सभ्य घड़ी को बनाता है जिसे आपको एक बार जरूर से देखना चाहिए वहीं दोस्तों बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो अर्जुन देव वरुण तेज और उनकी पत्नी अहाना गेल मनुष्य छिल्लर भारतीय वायु सेना में विंग कमांडर के पद पर है अर्जुन एक परीक्षण पायलट है जो कि अन्य सैनिकों द्वारा उपयोग किए जाने से पहले सैन्य विमानों का मूल्यांकन करते हैं अर्जुन ने प्रोजेक्ट वज़्र तैयार किया जिसमें दृश्यम के रडार की पकड़ से बचने के लिए ज़मीन के करीब उड़ान भर सकते ज़मीन के करीब उड़ान भरना शामिल है अपने परीक्षण मिशन के दौरान ही अर्जुन और फिर आहाना ने अपने करीबी दोस्त यानी कि नवदीप को दुखद रूप से खो दिया जिससे उनके रिश्तों में तनाव पैदा हो गया इसके बाद से दोस्तों अर्जुन ने प्रोजेक्ट वज्र तैयार किया है जिसमें दुश्मन ने दुश्मन के रोडवार की, की पकड़ से बचने के लिए ज़मीन के करीब उड़ान भरना शामिल है अपने परीक्षण मिशन के दौरान अर्जुन और फिर आहाना ने अपने करीबी दोस्त नवदीप को दुखद रूप से दुखद रूप से खो दिया जिससे उनके रिश्तों में तनाव पैदा हो गया वही आहना अर्जुन से कहती है कि वह भविष्य में उस प्रोजेक्ट पर काम न करे अन्यथा उन्हें जो है ब्रेकअप करना होगा अपनी ज़िंदगी से वही पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले करने के बाद जिसमें जो है 40 यानी कि सीआरपीएफ आर जवानों की शहादत शामिल हुई जो कि भारत सरकार और फिर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी बिशरो आतंकवादी जो है कि शिविरों पर हवाई हमले करके जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया अर्जुन को प्रोजेक्ट वज्र के साथ आगे बढ़ाना होगा जबकि यहाँ पे रडार कमांडर आहाना को यहाँ पे मार्गदर्शन प्रदान करना होगा इस बार अर्जुन ने कैसे जो ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है और फिर भारतीय वायुसेना का फिल्म के अंदर गौरव बढ़ाया है वहीं कलाकारों का अभिनय के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में वरुण तेज वायुसेना पायलट के किरदार में बिल्कुल फिट बैठे हैं उनका फिल्म के अंदर कट आउट उन्हें वायुसेना अधिकारी मानने के लिए काफ़ी है और फिर वरुण तेज ने यह भूमिका बाखूबी निभाई है इमोशनल सिक्वेंस में भी वो अच्छे दिखे हैं एक अन्य वायुसेना अधिकारी के रूप में मनुष्य छिल्लर अपना काम बखूबी फिल्म के अंदर कर गई है हालांकि इसके बाद में मुख्य जोड़ी या फिर जो है पति पत्नी के रूप में उनके बीच की केमिस्ट्री लगभग जो है सुनने का रेडिंग है नवदीप एक कैमियो निभाते हैं फिल्म में और अगर आप पलक झपकते हैं तो आपको उनकी याद आएगी वहीं रूहानी शर्मा के पास से करने को ज़्यादा कुछ नहीं है जो कि परेश पाहूजा के लिए परेश पाहूजा के दिल को छू लेने वाले रोमांटिक चुटकुले बिल्कुल भी काम नहीं करता है तकनीकी पहलू के बारे में हम बात कर ले तो हरि देवान्तम की सेम्टोग्राफी उत्कृष्ट है एक्शन कोरियोग्राफी विशेष रूप से हवाई लड़ाई और फिर हवाई हमले बहुत ही प्रभावशाली है जो कि दृश्य प्रभाव साफ़ सुथरे फिल्म के अंदर पेश किया गया है वही दोस्तों इस फिल्म को चलाने के लिए सेम्टोग्राफ़ी एक्शन्स पर प्रकाश डालना चाहते थे दोनों टेक्निकी टीम ने अपने काम को अच्छी तरह से अंजाम दिया है जो कि मिकी जे मेयर के संगीत का प्रभाव न्यूनतम है वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे नवदीप फिल्म निर्माता शक्ति प्रताप सिंह द्वारा निर्देशित की गई विश्लेषण यानी कोऑपरेशन वैलेंटाइन मुख्य रूप से पुलवामा हमले और फिर पाकिस्तानी आतंकवादी समूहों के खिलाफ भारत के हवाई हमलों पर केंद्रित ही है जिन्हें भारत में सबसे घातक आतंकवादी हमलों में से एक माना गया है भारतीय वायुसेना ने भारत सरकार और फिर्जी प्रधानमंत्री के राजनीतिक समर्थन से एक मजबूत जवाबी कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करते हुई यह हवाई हमले के लिए हालांकि फिल्म सीधे तौर पर वास्तविक घटनाओं का संदर्भ नहीं करता है लेकिन उनका अनुमान फिल्म के अंदर आसानी से लगाया जा सकता है मुख्य कहानी फिल्म के अंदर देशभक्ति पूर्ण है और फिर सभी भारतीयों में से मेल खाता है हालांकि शक्ति प्रताप सिंह की पदकथा का काफ़ी हद तक असंगत है खासकर फिल्म के पहले भाग में जिसमें जुड़ाव का अभाव इस फिल्म के अंदर पेश किया गया है हालांकि फिल्म केवल जो है पुलवामा हमले पर ही ध्यान केंद्रित करने के बजाय साहसी हमलों और फिर जो ऑपरेशन के दौरान ही वायुसेना के पायलटों को प्रदर्शन को चित्रित करने में अधिक रुचि रखता है फिल्म का पर फिल्म का प्रभारिक जो है भाग मुख्य रूप से पुलवामा हमले से पहले की घटनाओं को चित्रित करता है ये एक के यानी कि एयरबेस पर पात्रों का परिचय देता है और फिर वरुण तेज और फिर जो है मनुष्य छिल्लर द्वारा चित्रित किया गया पति और पत्नी के बीच तनावपूर्ण संबंधों की पड़ताल ये फिल्म करता है जो कि फिल्म के इस खंड को खराब तरीके से निष्पादित किया गया है जो कि वरुण तेज और फिर मनुष्य के बीच संबंधों को दर्शाने वाले दृश्यों में फिल्म के अंदर जो है है भारतीय भारतीय सार का भाव है और ये सीधे तौर पर एक हॉलीवुड फिल्म से लिया गया प्रतीत होता है उनकी बातचीत एक आम भारतीय जोड़े के बजाय साथी अधिकारियों के बीच की जो है बातचीत जैसी लगती है जो कि एक पति पत्नी की छाप देने में विफल रहते हैं दोनों शुरुआत में आगे पीछे की कहानी दर्शकों को बाधे रखने में थोड़ा सा विफल भी रहता है इस फिल्म के अंदर हालांकि दोस्तों इंटरवल से ठीक पहले कथन में सुधार हो जाता है और फिर दूसरे भाग में प्रभावी ढंग से हमारा ध्यान बनाए रखता है ये फिल्म फिल्म का मुख्य आकर्षण हवाई हमले और फिर जो है मध्यांतर के बाद सामने आने वाली घटनाएं हैं निर्देशक ने भारत के सबसे तीव्र हवाई हमलों को मनमोहक तरीकों से प्रस्तुत किया है जो कि दृश्य एक यानी कि उत्कृष्ट सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है हालांकि अधिकां अधिकांश फिल्म में भावनात्मक गहराई और फिर जुड़ाव का अभाव है फिल्म की पदक्रथा कुछ हद तक जो है घिसी पिटी महसूस होती है जिसमें कई पात्रों में अच्छी तरह से विकसित चित्रित अर्क का अभाव रखा गया है जिसमें संपत यानी कि राज उनके और रूहानी शर्मा द्वारा निभाए गए किरदार भी इस फिल्म के अंदर शामिल किया गया है की वजह से मनुष्य छिल्लर ने दिए गए स्थानों के भीतर ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सराहनीय रूप से अपने चरित्र को चित्रित इस फिल्म में किया है वही दूसरे भाग में हवाई युद्ध के दृश्य जैसा कि टीम ने नोट किया है कि वास्तव में आकर्षक है ये सभी सीन्स क्योंकि यहाँ पे देशभक्ति उत्साह को प्रभावी ढंग से दर्शाता है बाकी कलाकार भी अपना सर्वश्रेष्ठ फिल्म में देते हैं और फिल्म के किरदारों के अच्छे चित्र में अपना योग्य दान देते हैं वही फिल्म के नकारात्मक बारे में हम बात करें तो दोस्तों सच्ची घटनाओं के सार को स्क्रीन पर कैद किया गया है फिल्म के अंदर इसी साथ सच्ची घटनाओं के ऊपर फिल्म की कहानी को बनाया गया है और ये चुनौतीपूर्ण है जैसा कि ऑपरेशन विलेंटाइन में देखा गया है हालांकि फिल्म के कुछ पल है लेकिन कुछ दृश्यों में जुड़ाव की कमी है जो कि उम्मीदों से कम है वही आतंकी हमले और फिर उसके परिणाम के चित्रण में वंचित प्रभाव का भावी देखने को मिला है जिससे अधिक हृदय किरदार इसके अलावा और इसके अलावा जो है विदार का दृष्टिकोण का अवसर चुक गया है जो कि भावनात्मक प्रतिध्वनि को बढ़ावा देता है पहले भाग में भारतीय वायु सेना की शक्तियों को उजागर करने के पर्याप्त अवसर के साथ यहाँ पे मुख्य किरदारों के बीच रोमांटिक दृश्यों जैसे कि फिल्म के अंदर आवश्यक दृश्यों से प्रभावित किया गया है वही रूहानी शाम यानी कि इस फिल्म के अंदर प्रेश पहुजा उनके अलावा शटाफ फिगार उनके अलावा अली रेजा द्वारा निभाए गए किरदारों का इस देशभक्ति कथा के लिए आवश्यक भावनाओं को जगाने के लिए बेहतर उपयोग किया जा सकता था इस फिल्म के अंदर इसी साथ इस फिल्म की तकनीकी पहलु के बारे में हम बात कर ले तो जबकि फिल्म के निर्देशक शक्ति प्रताप सिंह हाडा कुछ हद तक सफल काम किए हैं जो कि एक अधिक आकर्षक कथा पेश की है और कसी हुई पदकथा दिखाए हैं ऑपरेशन विलियम टाइन को एक मनोरंजन हवाई एक्शन थ्रिलर में बदला जा सकता था वहीं बता दें कि साई माधवन बुरा का संवाद दर्शकों के बीच बेहतर ढंग से गोज सकते थे क्योंकि खासकर अधिक आकर्षक चीज़ें आपको इस फिल्म में देखने को मिल जाती है अधिक आकर्षक देशभक्ति पूर्ण और फिरपंथियों को इस फिल्म में गौड़ने में हरे के वेदांतम की सिनेमाटोग्राफी भी सराहनीय लायक है हालांकि मिकी जे मेयर का काम यहाँ पे संतोषजनक है लेकिन फिल्म में कुछ ऐसे मौके छूट गए हैं जहाँ पे उनका शानदार बैकग्राउंड संगीत समग्र अनुभव को समृद्ध कर सकता था वही दोस्तों संपादक के बारे में हम बात करें तो फिल्म का संपादक नवीन नुल्ली बेहतर गति बढ़ावा देने के लिए पहले भाग में कुछ शो में कटौती कर सकते थे जो कि बी की उचित देखभाल की सराहनीय काम हो सकता था खासकर यथार्थवाद और फ्य जो है यहाँ पे विसर्जन को बढ़ावा देने के लिए दर्शी प्रभाव को मांग किया गया है इस फिल्म के अंदर कुल मिलाकर दोस्तों ऑपरेशन वेलेंटाइन एक अच्छी हवाई एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि आकर्षक हवाई हमले दीर्शों के साथ साथ तेज और फिर मनुष्य छिल्लर के ठोस प्रदर्शन से प्रेरित है हालांकि सुस्त पहला भाग देखने को मिलता जरूर है लेकिन अनावश्यक दृश्य और फिर कुछ स्थानों पर आवश्यक भावनात्मक गहराई की कमी उल्लेखनीय कमियां हैं इसी तरह के दोस्तों हवाई एक्शन ड्रामा से परिचित दर्शक यहाँ पे शायद ऑपरेशन विलेन टाइन के साथ ही उतनी दृढ़ता से प्रतिध्वनित नहीं हो लेकिन दूसरों के लिए फिल्म इस हफ्ते के अंत में संतोषजनक मनोरंजन प्रदान करने के लिए काफ़ी आगे बढ़ती है तो इस तरह की कहानी इस फिल्म के अंदर पेश की गई है लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक ऑपरेशन विलियन टाइन फिल्म को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस फिल्म को एक बार जरूर से देखिए वही दोस्तों ये फिल्म भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि दो के पुलवामा आतंकवादी हमले और भारतीय वायुसेना द्वारा दो के जवाबी बालाकोट एयर स्ट्राइकर पर आधारित है फिल्म की कहानी जिसका निर्देशन शक्ति प्रताप सिंह हारा ने किया है जो कि उनके निर्देशन में पहली फिल्म है और इसी के साथ सोनी पिक्चर्स और फिर संदीप जो है मुद्दा द्वारा निर्मित किया गया है इसी के साथ दोस्तों गॉड ब्लेस इंटरटेनमेंट और फिर नंद कुमार अभिननी द्वारा स्व निर्माण के साथ इसे तेलुगु और हिंदी में एक साथ शूट किया गया था इसमें वरुण तेज मनुष्य छिल्लर उनके उनखिलाव नवदीप और फिर मीर सरोवर प्रमुख भूमिकाओं में फिल्में नजर आए हैं यह तेज की हिंदी फिल्म और फिर छिल्लर की तेलुगु फिल्म की शुरुआत है ये फिल्म 1 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी इसे समीक्षकों और दर्शकों से मिली जुली समीक्षाएं फिल्म को देखने को मिली है दोस्तों इससे पहले 14 अगस्त 2023 को अपने तीसरे शेड्यूल को पूरा करते हुए फिल्म के निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर ही ऑपरेशन विलेन ट्राइन के रूप में इसका शीर्षक प्रकट किया था सभी के सामने ये दूरभाषिक प्रोजेक्ट तेलुगु और हिंदी दोनों में ही रिलीज के लिए तैयार किया गया उन्नीस अक्टूबर दो को निर्माता ने घोषणा किया था कि फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी पूरी हो चुकी है फिल्म की संगीत के बारे में हम बात कर ले तो साउंड और बैकग्राउंड स्कोर मिकी जे मेयर द्वारा रचित किया गया था वही सारे गांवों ने ऑडियो अधिकार हासिल कर लिया फिल्म का पहला एकल वंदे मातरम व है वा वार्डर पर अनावरण किया गया वहीं रिलीजिंग के बारे में हम बात करें तो मूल रूप से इसे 8 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था वहीं दोस्तों आपको बता दें लेकिन ये जो है थोड़ा सा पोस्ट प्रोडक्शंस कार्यों में देरी हुई थी जिसकी वजह से 16 फरवरी 2024 तक के लिए इसको रोक दिया गया बाद में ये फिल्म 1 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है इसी तरह दोस्तों फिल्म के पोस्ट थिएटर के बारे में हम बात कर ले तो स्ट्रीमिंग अधिकार एमेजन प्राइम वीडियो को बेचा गया है इस फिल्म की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात कर ले तो रेडिफ के तरफ से अर्जुन मिनन ने इस मूवीज़ को फाइव में से थ्री स्टार रेटिंग दिया है ऑपरेशन वेलेंटाइन कुछ उत्साहनपूर्ण और फिर जो है हानि रहित मजेदार समय देने के लिए समान वायुसेना कथाओं के यानी कि टेम प्लेट का अनुसरण करता है इसी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से पोल निकोडेम्स ने भी फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट जीरो स्टार रेटिंग दी है और कहा कि ऑपरेशन वेलेंटाइन भारतीय वायुसेना की बहादुरी के लिए एक सम्मानजनक संकेत है जो कि दर्शकों को एक्शन देशभक्ति और नाटक का भी मिश्रण पेश करता है हालांकि ये पहुंच नहीं सकता है और इसके पूर्ववर्ती यानी कि हवाई युद्ध और फिर जो फिरजुआई वायुसेना की फिल्मों की भावनात्मक या फिर फिरजो सिनेमाई ऊंचाइयों के बावजूद ये जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में वीरता और फिर जो है बलिदान के अपने उत्साहित चित्रण के लिए एक सभ्य घड़ी बनाती है इसी तरह से दोस्तों द हिंदू की तरफ से संगीता देवी डंडू ने लिखा है कि मुख्य अभिनेता और फिर बोलने योग्य नहीं है क्योंकि उनके बीच के लिखित रिश्ते के साथ लेखन कुछ भी नया पेश नहीं करता है फिर भी ये फिल्म आपको देखने में अच्छा लगेगा द तो इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से रघुबंदी ने इस फिल्म को फाइव में से वन पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग इन्होंने दिया है और दोस्तों उन्होंने लिखा है कि फिल्म में मानवीय कहानी का अभाव है ग्राफिक कार्य खराब दिखता है और फिर उत्पादन मूल्य वंचित नहीं है जबकि वरुण तेज के प्रदर्शन की प्रशंसाएँ की गई द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने लेखन की आलोचना करते हुए फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिया और कहा कि हमने और कहा कि इसमें हमारा ध्यान जो है खींचने के लिए यहाँ पे नबीनतम या फिर जो है आविष्कार नहीं है जो कि टिप्पणी करते हुए कि छिलर खराब भूमिकाओं के बावजूद अपने चरित्र में एक निश्चिंत तीव्रता इस फिल्म के अंदर लाते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों फिल्म में जो चीज़ दिखाया गया है वो देखने लायक है इस फिल्म की कहानी साल दो में हुई आतंकवादी हमला यानी कि पुलवामे हमले के ऊपर फिल्म की कहानी को बनाया गया है तो फैंस अगर आप लोग इस तरह की फिल्मों को देखना पसंद करते हो और आप लोगों ने अभी इस फिल्म को देख लिया है तो आप इस फिल्म को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं वही दोस्तों ये फिल्म भारतीय वायुसेना की बहादुरी कार्रवाई देशभक्ति और फिर नाटक के समिश्रण का एक सम्मानजनक संकेत है जो कि विपरीत परिस्थितियों में वीरता और बलिदान के जोशीले चित्रण के लिए ये अच्छी घड़ी को पेश करता है वहीं दोस्तों ऑपरेशन विलेंटाइन अर्जुन देव जिन्होंने रुद्र वरुण तेज के नाम से भी इसको जाना जाता है जो कि एक उत्कृष्ट लड़ाकू पायलट और फिर जो है आहाना गिल यानी कि कि छिल्लर जो भारतीय वायुसेना में एक कमांडर सेंटर अधिकारी है उनकी कहानी को बताया गया है सैन्य वीरता की पृष्ठभूमि पर आधारित उनकी प्रेम कहानी फिल्म के प्रोजेक्ट वज्र में उनकी भागीदारी को फिर से दर्शाती है एक मिशन जो कि एक घातक दुर्घटना में उनके साथी कबीर नवदीप की मृत्यु के साथ दुखद और रूप से समाप्त हो गया था ये कहानी लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब श्रीनगर में एक आतंकवादी हमला दोनों को फिर से एकजुट होने के लिए मजबूर करता है और देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मिशनों में एक विशिष्ट यानी कि स्क्वाड का नेतृत्व करता है वही समीक्षक ने बताया है कि शक्ति प्रताप सिंह हारा द्वारा निर्देशित की गई शक्ति प्रताप सिंह हारा द्वारा निर्देशित की, की गई ऑपरेशन वेलेंटाइन भारतीय वायुसेना के लिए एक सिनेमाई श्रद्धांजलि है जो कि वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित है देशभक्ति रोमांच और फिर एक्शन के तत्वों का मिश्रण है ये फिल्म यानी कि टॉप गॉर्न और फिर जो है हालिया हवाई युद्ध फिल्म फाइटर जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों की अपरिहार्य तुलना करते हुए अपनी जगह बनाने का प्रयास करता है लेकिन समकालीन भारतीय सैन्य फ्यजुअल चुनौतियों और इसके अलावा जो है, है लचीलेपन के चित्रण के माध्यम से भी एक अलग स्वाद पेश करने का प्रयास ये फिल्म करता है इसी तरह से दोस्तों आगे बता दें फिल्म के हीरो वरुण तेज ने वरुण तेज ने रुद्र के रूप में एक समूहक प्रदर्शन किया है जो कि कौशल और फिर जुए क्रिसम के साथ एक सर्वोत्कृष्ट विद्रोही पायलट के गुणों को दर्शाते हैं मानोसी छिलर ने अपने टॉलीवुड डेब्यू में अहाना गिल का किरदार निभाया है शालीनता से जो कि दृढ़ विश्वास के साथ निभाया है इन्होंने इस किरदार को और इन किरदारों की बेहतर जो है स्थापना से ही फिल्म को मदद मिल सकती थी क्योंकि नवदीप रूहानी शर्मा उनके अलावा परेश पह उनके अलावा अली रेजा और है शताफ फिगार इनकी संपत राज और है मीर सर्वर सहित सहायक कलाकार प्रमुख कलाकारों के रूप में इस फिल्म के अंदर नजर आए हैं इसी तरह से दोस्तों हालांकि फिल्म ऊंची उड़ान वाले एक्शन दृश्यों में उत्कृष्ट है और फिर सुरानिया हवाई युद्ध दृश्यों को दिखाता है लेकिन ये अपने पात्रों और उनके रिश्तों को पूरी तरह से उजागर करने में विफल रहती है वादी के पेशे व्यक्तिगत जो है नुकसान और फिर जो है प्रेरणाओं को उजागर करने का फिल्म का प्रयास सराहनीय फिर भी इन पहलुओं को दर्शकों दर्शकों के साथ अधिक गहराई से जोड़ने के लिए आवश्यक भावनात्मक जो है मजबूती का अभाव रखा गया है इसके बाद दोस्तों तकनीकी रूप से फिल्म अपने दृश्य प्रभाव और फिर छायांकन से प्रभावित करती है हवाई लड़ाई के रोमांस और फिर जो है खतरे को गहरी नज़र से पकड़ती है हालांकि बी एफिक्स फिर जो है गुणवत्तापूर्ण और कथा के साथ मिलकर निरंतरता में यहाँ पे विसंगतियाँ कभी कभी जो है यानी कि विसर्जन से ध्यान भटकाती है इसी के साथ मिक्की से मेयर का साउंडेड और बैकग्राउंड स्कोर प्रभावी ढंग से फिल्म के ऊंचा फिल्म के उतार चढ़ाव को रेखांकित करता है हालांकि एक मजबूत कथा फोक्स फिर समग्र प्रभाव को बढ़ा सकता था अंत में ऑपरेशन वैलेंटाइन भारतीय वायुसेना की बहादुरी का एक सम्मानजनक संकेत भी है जो कि दर्शकों को एक्शंस देशभक्ति और फिर नाटक का मिश्रण पेश किया है फिल्म में हालांकि ये अपनी पूर्ववर्ती हवाई युद्ध और फिर वायुसेना फिल्मों की भावनात्मक या फिर सिनेमाई उच्चाई तक नहीं पहुंच सकता है लेकिन विपरीत परिस्थितियों में वीरता और फिर बलिदान के अपने उस उत्साहित चित्रण के लिए एक सभ्य घड़ी को बनाता है जिसे आपको एक बार जरूर से देखना चाहिए वहीं दोस्तों बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो अर्जुन देव वरुण तेज और उनकी पत्नी अहाना गिल मनुष्य छिल्लर भारतीय वायु सेना में विंग कमांडर के पद पर है अर्जुन एक परीक्षण पायलट है जो कि अन्य सैनिकों द्वारा उपयोग किए जाने से पहले सैन्य विमानों का मूल्यांकन करते हैं अर्जुन ने प्रोजेक्ट वज्र तैयार किया जिसमें देशम के रडार की पकड़ से बचने के लिए ज़मीन के करीब उड़ान भर सकते ज़मीन के करीब उड़ान भरना शामिल है अपने परीक्षण मिशन के दौरान ही अर्जुन और फिर आहाना ने अपने करीबी दोस्त यानी कि नवदीप को दुखद रूप से खो दिया जिससे उनके रिश्तों में तनाव पैदा हो गया इसके बाद से दोस्तों अर्जुन ने प्रोजेक्ट वज्र तैयार किया है जिसमें दुश्मन ने दुश्मन के रटवार की, की पकड़ से बचने के लिए ज़मीन के करीब उड़ान भरना शामिल है अपने परीक्षण मिशन के दौरान अर्जुन और फिर आहाना ने अपने करीबी दोस्त नवदीप को दुखद रूप से दुखद रूप से खो दिया जिससे उनके रिश्तों में तनाव पैदा हो गया वहीं आहाना अर्जुन से कहती है कि वह भविष्य में उस प्रोजेक्ट पर काम न करे अन्यथा उन्हें जो है ब्रेकअप करना होगा अपनी ज़िंदगी से वहीं पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले करने के बाद जिसमें जो है चालीस यानी कि सी जवानों की शहादत शामिल हुई जो कि भारत सरकार और फिर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी बिशरो आतंकवादी जो है इनकी शिविरों पर हवाई हमले करके जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया अर्जुन को प्रोजेक्ट वज्र के साथ आगे बढ़ाना होगा जबकि यहाँ पे रडार कमांडर आहाना को यहाँ पे मार्गदर्शन प्रदान करना होगा इस बार अर्जुन ने कैसे जो ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है और फिर भारतीय वायुसेना का फिल्म के अंदर गौरव बढ़ाया है वहीं कलाकारों का अभिनय के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में वरुण तेज वायुसेना पायलट के किरदार में बिल्कुल फिट बैठे हैं उनका फिल्म के अंदर कट आउट उन्हें वायुसेना अधिकारी मानने के लिए काफ़ी है और फिर वरुण तेज ने यह भूमिका बाखूबी निभाई है इमोशनल सीक्वेंस में भी वो अच्छे दिखे हैं एक अन्य वायुसेना अधिकारी के रूप में मनुष्य छिल्लर अपना काम बखूबी फिल्म के अंदर कर गई है हालांकि इसके बाद में मुख्य जोड़ी या फिर जो है पति पत्नी के रूप में उनके बीच की केमिस्ट्री लगभग जो है शून्य का रेडिंग है नवदीप एक कैमियो निभाते हैं फिल्म में और अगर आप पलक झपकते हैं तो आपको उनकी याद आएगी वहीं रूहानी शर्मा के पास से करने को ज़्यादा कुछ नहीं है जो कि परेश पाहुजा के लिए परेश पाहुजा के दिल को छू लेने वाले रोमांटिक चुटकुले बिल्कुल भी काम नहीं करता है तकनीकी पहलू के बारे में हम बात कर ले तो हरी की सेम्टोग्राफी उत्कृष्ट है एक्शन कोरियोग्राफी विशेष रूप से हवाई लड़ाई और फिर हवाई हमले बहुत ही प्रभावशाली है जो कि दृश्य प्रभाव साफ़ सुथरे फिल्म के अंदर पेश किया गया है वही दोस्तों इस फिल्म को चलाने के लिए सेमटोग्राफी एक्शन्स पर प्रकाश डालना चाहते थे दोनों तकनीकी टीम ने अपने काम को अच्छी तरह से अंजाम दिया है जो कि मिकी से मेयर के संगीत का प्रभाव न्यूनतम है वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे नवदीप फिल्म निर्माता शक्ति प्रताप सिंह द्वारा निर्देशित की गई विश्लेषण यानी कोपरेशन वेलेंटाइन मुख्य रूप से पुलवामा हमले और फिर पाकिस्तानी आतंकवादी समूहों के खिलाफ भारत के हवाई हमलों पर केंद्रित ही है जिन्हें भारत में सबसे घातक आतंकवादी हमलों में से एक माना गया है भारतीय वायुसेना ने भारत सरकार और फिर्जे प्रधानमंत्री के राजनीतिक समर्थन से एक मजबूत जवाबी कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करते हुए यह हवाई हमले के लिए हालांकि फिल्म सीधे तौर पर वास्तविक घटनाओं का संदर्भ नहीं करता है लेकिन उनका अनुमान फिल्म के अंदर आसानी से लगाया जा सकता है मुख्य कहानी फिल्म के अंदर पूर्ण है और फिरजे सभी भारतीयों में से मेल खाता है हालांकि शक्ति प्रताप सिंह की पदकथा काफ़ी हद तक असंगत है खासकर फिल्म के पहले भाग में जिसमें जुड़ाव का अभाव इस फिल्म के अंदर पेश किया गया है हालांकि फिल्म केवल जो है पुलवामा हमले पर ही ध्यान केंद्रित करने के बजाय साहसी हमलों और फिर जो ऑपरेशन के दौरान ही वायुसेना के पायलटों को प्रदर्शन को चित्रित करने में अधिक रुचि रखता है फिल्म का पर, फिल्म का प्रभारिक जो है भाग मुख्य रूप से पुलवामा हमले से पहले की घटनाओं को चित्रित करता है ये एक के यानी कि एयरबेस पर पात्रों का परिचय देता है और फिर वरुण तेज और फिर जो है मनुष्य छिलर द्वारा चित्रित किया गया पति और पत्नी के बीच तनावपूर्ण संबंधों की पड़ताल ये फिल्म करता है जो कि फिल्म के इस खंड को खराब तरीके से निष्पादित किया गया है जो कि वरुण तेज और फिर मनुष्य के बीच संबंधों को दर्शाने वाले दृश्यों में फिल्म के अंदर परमणिक जो है भारतीय भारतीय सार का भाव है और ये सीधे तौर पर एक हॉलीवुड फिल्म से लिया गया प्रतीत होता है उनकी बातचीत एक आम भारतीय जोड़े के बजाय साथी अधिकारियों के बीच की जो है बातचीत जैसी लगती है जो कि एक पति पत्नी की छाप देने में विफल रहते हैं दोनों शुरुआत में आगे पीछे की कहानी दर्शकों को बाधे रखने में थोड़ा सा विफल भी रहता है इस फिल्म के अंदर हालांकि दोस्तों इंटरवल से ठीक पहले कथन में सुधार हो जाता है और फिर दूसरे भाग में प्रभावी ढंग से हमारा ध्यान बनाए रखता है ये फिल्म फिल्म का मुख्य आकर्षण हवाई हमले और फिर जो है मध्यांतर के बाद सामने आने वाली घटनाएं हैं निर्देशक ने भारत के सबसे तीव्र हवाई हमलों को मनमोहक तरीकों से प्रस्तुत किया है जो कि दृश्य एक यानि उत्कृष्ट सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है हालांकि अधिकां अधिकांश फिल्म में भावनात्मक गहराई और फिर जुड़ाव का अभाव है फिल्म की पदकथा कुछ हद तक जो है इनकी घिसी पिटी महसूस होती है जिसमें कई पात्रों में अच्छी तरह से विकसित चित्रित आग अर्क का अभाव रखा गया है जिसमें संपत यानी कि राज और रोहानी शर्मा द्वारा निभाए गए किरदार भी इस फिल्म के अंदर शामिल किया गया है वजह से छिल्लर ने दिए गए स्थानों के भीतर ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सराहनीय रूप से अपने चरित्र को चित्रित इस फिल्म में किया है वही दूसरे भाग में हवाई युद्ध के दृश्य जैसा कि टीम ने नोट किया है कि वास्तव में आकर्षक है ये सभी सीन्स क्योंकि यहाँ पे देशभक्ति के उत्साह को प्रभावी ढंग से दर्शाता है बाकी कलाकार भी अपना सर्वश्रेष्ठ फिल्में देते हैं और फिल्म के किरदारों के अच्छे चित्रण में अपना योग्य दान देते हैं वही फिल्म के नकारात्मक अंक के बारे में हम बात करें तो दोस्तों सच्ची घटनाओं के सार को स्क्रीन पर कैद किया गया है फिल्म के अंदर इसी के साथ सच्ची घटनाओं के ऊपर फिल्म की कहानी को बनाया गया है और ये चुनौतीपूर्ण है जैसा कि ऑपरेशन विलेंटाइन में देखा गया है हालांकि फिल्म के कुछ पल है लेकिन कुछ देशों में जुड़ाव की कमी है जो कि उम्मीदों से कम है वही आतंकी हमले और फिर उसके परिणाम के रन में वंचित प्रभाव का भावी देखने को मिला है जिससे अधिक हृदय किरदार इसके अलावा और इसके अलावा जो है बिदार का दृष्टिकोण का अवसर चुक गया है जो कि भावनात्मक प्रतिध्वनि को बढ़ावा देता है पहले भाग में भारतीय वायु सेना की शक्तियों को उजागर करने के पर्याप्त अवसर के साथ यहाँ पे मुख्य किरदारों के बीच रोमांटिक दृश्यों जैसे कि फिल्म के अंदर आवश्यक दृश्यों से प्रभावित किया गया है वही रूहानी श्याम यानी कि इस फिल्म के अंदर प्रेश पहुजा उनके अलावा फिगार उनके अलावा अली रेजा द्वारा निभाए गए किरदारों का इस देशभक्ति कथा के लिए आवश्यक भावनाओं को जगाने के लिए बेहतर उपयोग किया जा सकता था इस फिल्म के अंदर इसी के साथ इस फिल्म की टेक्निकी पहलुओ के बारे में हम बात कर ले तो जबकि फिल्म के निर्देशक शक्ति प्रताप सिंह हाडा कुछ हद तक सफल काम किए हैं जो कि एक अधिक आकर्षक कथा पेश की है और कसी हुई बदकथा दिखाए हैं ऑपरेशन विलियन टाइन को एक मनोरंजन हवाई एक्शन थ्रिलर में बदला जा सकता था वहीं बता दें कि साई माधवन बुरा का संवाद दर्शकों के बीच बेहतर ढंग से गोज सकते थे क्योंकि खासकर अधिक आकर्षक चीज़ें आपको इस फिल्म में देखने को मिल जाती है अधिक आकर्षक देशभक्तिपूर्ण और फिर फिरपंथियों को इस फिल्म में गौड़ने में हरे के वेदांतम की सिनेमेटोग्राफी भी सराहनीय लायक है हालांकि मिकी जे मेयर का काम यहाँ पे संतोषजनक ही है लेकिन फिल्म में कुछ ऐसे मौके छूट गए हैं जहाँ पे उनका शानदार बैकग्राउंड संगीत समग्र अनुभव को समृद्ध कर सकता था वही दोस्तों संपादक के बारे में हम बात करें तो फिल्म का संपादक नवीन नुल्ली बेहतर गति बढ़ावा देने के लिए पहले भाग में कुछ दिवसों में कटौती कर सकते थे जो कि बी की उचित देखभाल की सराहनीय काम हो सकता था खासकर यथार्थवाद और फ्य जो है यहाँ पे विसर्जन को बढ़ावा देने के लिए दृश्य प्रभाव को मांग किया गया है इस फिल्म के अंदर कुल मिलाकर दोस्तों ऑपरेशन वेलेंटाइन एक अच्छी हवाई एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि आकर्षक हवाई हमले दृश्यों के साथ साथ तेज और फिर मनुष्य छिल्लर के ठोस प्रदर्शन से प्रेरित है हालांकि सुस्त पहला भाग देखने को मिलता जरूर है लेकिन अनुश्यक दृश्य और फिर कुछ स्थानों पर आवश्यक भावनात्मक गहराई की कमी उल्लेखनीय कमियां है इसी तरह के दोस्तों हवाई एक्शन ड्रामा से परिचित दर्शक यहाँ पर शायद ऑपरेशन विलेन ट्राइन के साथ ही उतनी दृढ़ता से प्रतिध्वनित नहीं हो लेकिन दूसरों के लिए फिल्म इस हफ्ते के अंत में संतोषजनक मनोरंजन प्रदान करने के लिए काफ़ी आगे बढ़ती है तो इस तरह की कहानी इस फिल्म के अंदर पेश की गई है लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक ऑपरेशन विलेन टाइन फिल्म को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस फिल्म को एक बार ज़रूर से देखिए भाई दोस्तों ये फिल्म भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि दो के पुलवामा आतंकवादी हमले और भारतीय वायुसेना द्वारा दो के जवाबी बालाकोट एयर स्ट्राइकर पर आधारित है फिल्म की कहानी जिसका निर्देशन शक्ति प्रताप सिंह हारा ने किया है जो कि उनके निर्देशन में पहली फिल्म है और इसी के साथ सोनी पिक्चर्स और फिर संदीप जो है मुद्दा द्वारा निर्मित किया गया है इसी के साथ दोस्तों गॉड ब्लेस एंटरटेनमेंट और फिर नंद कुमार अभिननी द्वारा स्वनिर्माण के साथ इसे तेलुगु और हिंदी में एक साथ शूट किया गया था इसमें वरुण तेज मनुष्य छिल्लर और उनखिलाव नवदीप और फिर मीर सरवर प्रमुख भूमिकाओं में फिल्में नजर आए हैं ये तेज़ की हिंदी फिल्म और फिर छिल्लर की तेलुगु फिल्म की शुरुआत है ये फिल्म 1 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी इसे समीक्षकों और दर्शकों से मिली जुली समीक्षाए फिल्म को देखने को मिली है दोस्तों इससे पहले फोर्टीन अगस्त दो को अपने तीसरे शेड्यूल को पूरा करते हुए फिल्म के निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर ही ऑपरेशन विलेन ट्राइन के रूप में इसका शीर्षक प्रकट किया था सभी के सामने ये दूरभाषिक प्रोजेक्ट तेलुगु और हिंदी दोनों में ही रिलीज के लिए तैयार किया गया 19 अक्टूबर 2023 को निर्माता ने घोषणा किया था कि फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी पूरी हो चुकी है फिल्म की संगीत के बारे में हम बात कर ले तो साउंड और बैकग्राउंड स्कोर मिकी जे मेयर द्वारा रचित किया गया था वही सारे गांवों ने ऑडियो अधिकार हासिल कर लिया फिल्म का पहला एकल वंदे मातरम व जो है वाधा वार्डर पर अनावरण किया गया वहीं रिलीजिंग के बारे में हम बात करें तो मूल रूप से इसे 8 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था वही दोस्तों आपको बता दें लेकिन ये जो है थोड़ा सा पोस्ट प्रोडक्शन्स कार्यों में देरी हुई थी जिसकी वजह से सोलह फरवरी दो तक के लिए इसको रोक दिया गया बाद में ये फिल्म वन मार्च दो को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है इसी तरह दोस्तों फिल्म के पोस्ट थिएटर के बारे में हम बात कर ले तो स्ट्रीमिंग अधिकार एमजन प्राइम वीडियो को बेचा गया है इस फिल्म की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात कर ले तो रेडिफ की तरफ से अर्जुन मिनन ने इस मूवीज़ को फाइव में से थ्री स्टार रेटिंग दिया है ऑपरेशन वेलेंटाइन कुछ उत्साहनपूर्ण और फिर जो है हानि रहित मजेदार समय देने के लिए समान वायुसेना कथाओं के यानी कि टेम प्लेट का अनुसरण करता है इसी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से पोल निकोडेम्स ने भी फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट जीरो स्टार रेटिंग दी है और कहा कि ऑपरेशन वेलेंटाइन भारतीय वायुसेना की बहादुरी के लिए एक सम्मानजनक संकेत है जो कि दर्शकों को एक्शन देशभक्ति और नाटक का भी मिश्रण पेश करता है हालांकि ये पहुंच नहीं सकता है और इसके पूर्ववर्ती यानी कि हवाई युद्ध और फिर फ्यजुआई वायुसेना की फिल्मों की भावनात्मक या फिर फ्योहे सिनेमाई ऊंचाइयों के बावजूद ये जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में वीरता और फिर जो है बलिदान के अपने उत्साहित चित्रण के लिए एक सभ्य घड़ी बनाती है इसी तरह से दोस्तों द हिंदू की तरफ से संगीता देवी डंडू ने लिखा है कि मुख्य अभिनेता और फिर भूलने योग्य नहीं है क्योंकि उनके बीच के लिखित रिश्ते के साथ लेखन कुछ भी नया पेश नहीं करता है फिर भी ये फिल्म आपको देखने में अच्छा लगेगा द तो इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से रघुबंदी ने इस फिल्म को फाइव में से वन स्टार रेटिंग इन्होंने दिया है और दोस्तों उन्होंने लिखा है कि फिल्म में मानवीय कहानी का अभाव है ग्राफिक कार्य खराब दिखता है और फिर उत्पादन मूल्य वंचित नहीं है जबकि वरुण तेज के प्रदर्शन की प्रशंसाएँ की गई द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने लेखन की आलोचना करते हुए फिल्म को फाइव से टू पॉइंट फाइव स्टार दिया और कहा कि हमने और कहा कि इसमें हमारा ध्यान जो है खींचने के लिए यहाँ पे नबीनतम या फिर जो है आविष्कार नहीं है जो कि टिप्पणी करते हुए कि छिलर खराब भूमिकाओं के बावजूद अपने चरित्र में एक निश्चिंत तीव्रता इस फिल्म के अंदर लाते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों फिल्म में जो चीज़ दिखाया गया है वो देखने लायक है इस फिल्म की कहानी साल दो में हुई आतंकवादी हमला यानी कि पुलवामे हमले के ऊपर फिल्म की कहानी को बनाया गया है तो फैंस अगर आप लोग इस तरह की फिल्मों को देखना पसंद करते हो और आप लोगों ने अभी इस फिल्म को देख लिया है तो आप इस फिल्म को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं वही दोस्तों ये फिल्म भारतीय वायुसेना की बहादुरी कार्रवाई देशभक्ति और फिर नाटक के समिश्रण का एक सम्मानजनक संकेत है जो कि विपरीत परिस्थितियों में वीरता और बलिदान के जोशीले चित्रण के लिए ये अच्छी घड़ी को पेश करता है वहीं दोस्तों ऑपरेशन विलियन टैन अर्जुन देव जिन्होंने रुद्र वरुण तेज के नाम से भी इसको जाना जाता है जो कि एक उत्कृष्ट लड़ाकू पायलट और फिर जो है आहाना गिल यानी कि मनुष्य छिल्लर जो कि भारतीय वायुसेना में एक कमांडर सेंटर अधिकारी है उनकी कहानी को बताया गया है सैन्य वीरता की पृष्ठभूमि पर आधारित उनकी प्रेम कहानी फिल्म के प्रोजेक्ट वज्र में उनकी भागीदारी को फिर से दर्शाती है एक मिशन जो कि एक घातक दुर्घटना में उनके साथी कबीर नवदीप की मृत्यु के साथ दुखद रूप से समाप्त हो गया था ये कहानी लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब श्रीनगर में एक आतंकवादी हमला दोनों को फिर से एकजुट होने के लिए मजबूर करता है और देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मिशनों में एक विशिष्ट यानी कि स्क्वाड का नेतृत्व करता है वही समीक्षक ने बताया है कि शक्ति प्रताप सिंह हारा द्वारा निर्देशित की गई शक्ति प्रताप सिंह हारा द्वारा निर्देशित की गई ऑपरेशन वेलेंटाइन भारतीय वायुसेना के लिए एक सिनेमाई श्रद्धांजलि है जो कि वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित है देशभक्ति रोमांच और फिर एक्शन के तत्वों का मिश्रण है ये फिल्म यानी कि टॉप गॉर्न और फिर जो है हालिया हवाई यूथ फिल्म फाइटर जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों की अपरिहार्य तुलना करते हुए अपनी जगह बनाने का प्रयास करता है लेकिन समकालीन भारतीय सैन्य फिरजुए चुनौतियों और इसके अलावा जो है, है लचीलेपन के चित्रण के माध्यम से भी एक अलग स्वाद पेश करने का प्रयास ये फिल्म करता है इसी तरह से दोस्तों आगे बता दें फिल्म के हीरो वरुण तेज ने वरुण तेज ने रुद्र के रूप में एक समूहक प्रदर्शन किया है जो कि कौशल और फिर जो है के साथ एक सर्वोत्कृष्ट विद्रोही पायलट के गुणों को दर्शाते हैं मानुशी छिलर ने अपने टॉलीवुड डेब्यू में अहाना गिल का किरदार निभाया है शालीनता से जो कि दृढ़ विश्वास के साथ निभाया है इन्होंने इस किरदार को और इन किरदारों की बेहतर जो है स्थापना से ही फिल्म को मदद मिल सकती थी क्योंकि नवदीप रूहानी शर्मा उनके अलावा परेश पहोजा उनके अलावा अली रेजा और फिर जोह शताफ फिगार इनकी संपत राज और फिर जो है मीर सर्वर शहीद सहायक कलाकार प्रमुख कलाकारों के रूप में इस फिल्म के अंदर नजर आए हैं इसी तरह से दोस्तों हालांकि फिल्म ऊंची उड़ान वाले एक्शन दृश्यों में उत्कृष्ट है और फिर सुरानिया हवाई युद्ध दृश्यों को दिखाता है लेकिन ये अपने पात्रों और उनके रिश्तों को पूरी तरह से उजागर करने में विफल रहती है वर्दी के पेशे व्यक्तिगत जो है नुकसान और फिर जो है प्रेरणाओं को उजागर करने का फिल्म का प्रयास सराहनीय फिर भी इन पहलुओं को दर्शकों दर्शकों के साथ अधिक गहराई से जोड़ने के लिए आवश्यक भावनात्मक जो है मजबूती का अभाव रखा गया है इसके बाद दोस्तों तकनीकी रूप से फिल्म अपने दृश्य प्रभाव और फिर छायांकन से प्रभावित करती है हवाई लड़ाई के रोमांस और फिर जो है खतरे को गहरी नज़र से पकड़ती है हालांकि बी एफिक्स फिर जो है गुणवत्तापूर्ण और कथा के साथ मिलकर निरंतरता में यहाँ पे विसंगतियाँ कभी कभी जो है यानी कि विसर्जन से ध्यान भटकाती है इसी के साथ मिक्की से मेयर का साउंड और बैकग्राउंड स्कोर प्रभावी ढंग से फिल्म के ऊंचा फिल्म के उतार चढ़ाव को रेखांकित करता है हालांकि एक मजबूत कथा फोक्स फिर समग्र प्रभाव को बढ़ा सकता था अंत में ऑपरेशन वैलेंटाइन भारतीय वायुसेना की बहादुरी का एक सम्मानजनक संकेत भी है जो कि दर्शकों को एक्शन देशभक्ति और फिर नाटक का मिश्रण पेश किया है फिल्म में हालांकि ये अपनी पूर्ववर्ती हवाई युद्ध और फिर वायुसेना फिल्मों की भावनात्मक या फिर सिनेमाई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता है लेकिन विपरीत परिस्थितियों में वीरता और फिर बलिदान के अपने उस उत्साहित चित्रण के लिए एक सभ्य घड़ी को बनाता है जिसे आपको एक बार जरूर से देखना चाहिए वही दोस्तों बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो अर्जुन देव वरुण तेज और उनकी पत्नी अहाना गिल मनुष्य छिल्लर भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर के पद पर है अर्जुन एक परीक्षण पायलट है जो कि अन्य सैनिकों द्वारा उपयोग किए जाने से पहले सैन्य विमानों का मूल्यांकन करते हैं अर्जुन ने प्रोजेक्ट वज्र तैयार किया जिसमें देरशम के रडार की पकड़ से बचने के लिए ज़मीन के करीब उड़ान भर सकते जमीन के करीब उड़ान भरना कर शामिल है अपने परीक्षण मिशन के दौरान ही अर्जुन और, और फिर आहाना ने अपने करीबी दोस्त यानी कि नवदीप को दुखद रूप से खो दिया जिससे उनके रिश्तों में तनाव पैदा हो गया इसके बाद से दोस्तों अर्जुन ने प्रोजेक्ट वज्र तैयार किया है जिसमें दुश्मन ने दुश्मन के रोटवार की, की पकड़ से बचने के लिए ज़मीन के करीब उड़ान भरना शामिल है अपने परीक्षण मिशन के दौरान अर्जुन और फिर आहाना ने अपने करीबी दोस्त नवदीप को दुखद रूप से दुखद रूप से खो दिया जिससे उनके रिश्तों में तनाव पैदा हो गया वही आहना अर्जुन से कहती है कि वह भविष्य में उस प्रोजेक्ट पर काम न करे अन्यथा उन्हें जो है ब्रेकअप करना होगा अपनी ज़िंदगी से वहीं पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले करने के बाद जिसमें जो है चालीस यानी कि सी जवानों की शहादत शामिल हुई जो कि भारत सरकार और फिर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी बिशरो आतंकवादी जो है इनकी शिविरों पर हवाई हमले करके जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया अर्जुन को प्रोजेक्ट वज्र के साथ आगे बढ़ाना होगा जबकि यहाँ पे रडार कमांडर आहाना को यहाँ पे मार्गदर्शन प्रदान करना होगा इस बार अर्जुन ने कैसे जो ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है और फिर भारतीय वायुसेना का फिल्म के अंदर गौरव बढ़ाया है वहीं कलाकारों का अभिनय के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में वरुण तेज वायुसेना पायलट के किरदार में बिल्कुल फिट बैठे हैं उनका फिल्म के अंदर कट आउट उन्हें वायुसेना अधिकारी मानने के लिए काफ़ी है और फिर वरुण तेज ने यह भूमिका बाखूबी निभाई है इमोशनल सीक में भी वो अच्छे दिखे हैं एक अन्य वायुसेना अधिकारी के रूप में मनुष्य छिल्लर अपना काम बाखूबी फिल्म के अंदर कर गई है हालांकि इसके बाद में मुख्य जोड़ी या फिर जो है पति पत्नी के रूप में उनके बीच की केमिस्ट्री लगभग जो है सुनने का रेडिंग है नवदीप एक कैमियो निभाते हैं फिल्म में और अगर आप पलक झपकते हैं तो आपको उनकी याद आएगी वहीं रूहानी शर्मा के पास से करने को ज़्यादा कुछ नहीं है जो कि परेश पाहुजा के लिए परेश पाहुजा के दिल को छू लेने वाले रोमांटिक चुटकुले बिल्कुल भी काम नहीं करता है तकनीकी पहलू के बारे में हम बात कर ले तो हरी देवान्तम की सेम्टोग्राफी उत्कृष्ट है एक्शन कोरियोग्राफी विशेष रूप से हवाई लड़ाई और फिर हवाई हमले बहुत ही प्रभावशाली है जो कि दृश्य प्रभाव साफ़ सुथरे फ़िल्म के अंदर पेश किया गया है वही दोस्तों इस फिल्म को चलाने के लिए सेम्टोग्राफी एक्शन पर प्रकाश डालना चाहते थे दोनों टेक्निकी टीम ने अपने काम को अच्छी तरह से अंजाम दिया है जो कि मिकी जे मेयर के संगीत का प्रभाव न्यूनतम है वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे नवदीप फिल्म निर्माता शक्ति प्रताप सिंह द्वारा निर्देशित की गई विश्लेषण यानी ऑपरेशन वेलेंटाइन मुख्य रूप से पुलवामा हमले और फिर पाकिस्तानी आतंकवादी समूहों के खिलाफ भारत के हवाई हमलों पर केंद्रित ही है जिन्हें भारत में सबसे घातक आतंकवादी हमलों में से एक माना गया है भारतीय वायुसेना ने भारत सरकार और फिर जो प्रधानमंत्री के राजनीतिक समर्थन से एक मजबूत जवाबी कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करते हुए यह हवाई हमले के लिए हालांकि फिल्म सीधे तौर पर वास्तविक घटनाओं का संदर्भ नहीं करता है लेकिन उनका अनुमान फिल्म के अंदर आसानी से लगाया जा सकता है मुख्य कहानी फिल्म के अंदर देशभक्ति पूर्ण है और फिर वे सभी भारतीयों में से मेल खाता है हालांकि शक्ति प्रताप सिंह की पदकथा का काफ़ी हद तक असंगत है ख़ासकर फिल्म के पहले भाग में जिसमें जुड़ाव का अभाव इस फिल्म के अंदर पेश किया गया है हालांकि फिल्म केवल जो है पुलवामा हमले पर ही ध्यान केंद्रित करने के बजाय साहसी हमलों और फिर जो ऑपरेशन के दौरान ही वायुसेना के पायलटों को प्रदर्शन को चित्रित करने में अधिक रुचि रखता है फिल्म का पर फिल्म का प्रभारिक जो है भाग मुख्य रूप से पुलवामा हमले से पहले की घटनाओं को चित्रित करता है ये एक के यानी कि एयरबेस पर पात्रों का परिचय देता है और फिर वरुण तेज और फिर जो है मनुष्य छिल्लर द्वारा चित्रित किया गया पति और पत्नी के बीच तनावपूर्ण संबंधों की पड़ताल ये फिल्म करता है जो कि फिल्म के इस खंड को खराब तरीके से निष्पादित किया गया है जो कि वरुण तेज और फिर मनुष्य के बीच संबंधों को दर्शाने वाले दृश्यों में फिल्म के अंदर जो है भारतीय भारतीय सार का भाव है और ये सीधे तौर पर एक हॉलीवुड फिल्म से लिया गया प्रतीत होता है उनकी बातचीत एक आम भारतीय जोड़े के बजाय साथी अधिकारियों के बीच की जो है बातचीत जैसी लगती है जो कि एक पति पत्नी की छाप देने में विफल रहते हैं दोनों शुरुआत में आगे पीछे की कहानी दर्शकों को बाधे रखने में थोड़ा सा विफल भी रहता है इस फिल्म के अंदर वही आतंकी हमले और फिर उसके परिणाम के चित्रण में वंचित प्रभाव का भावी देखने को मिला है जिससे अधिक हृदय किरदार अलावा और इसके अलावा जो है विदार का दृष्टिकोण का अवसर चुक गया है जो कि भावनात्मक प्रतिध्वनि को बढ़ावा देता है पहले भाग में भारतीय वायु सेना की शक्तियों को उजागर करने के पर्याप्त अवसर के साथ यहाँ पे मुख्य किरदारों के बीच रोमांटिक दृश्यों जैसे कि फिल्म के अंदर आवश्यक दृश्यों से प्रभावित किया गया है वही रूहानी श्याम यानी कि इस फिल्म के अंदर प्रेश पहुजा उनके अलावा फिगार उनके अलावा अली रेजा द्वारा निभाए गए किरदारों का इस देशभक्ति कथा के लिए आवश्यक भावनाओं को जगाने के लिए बेहतर उपयोग किया जा सकता था इस फिल्म के अंदर इसी के साथ इस फिल्म की टेक्निकी पहलुओ के बारे में हम बात कर ले तो जबकि फिल्म के निर्देशक शक्ति प्रताप सिंह हाडा कुछ हद तक सफल काम किए हैं जो कि एक अधिक आकर्षक कथा पेश की है और कसी हुई बदकथा दिखाए हैं ऑपरेशन विलियन टाइन को एक मनोरंजन हवाई एक्शन थ्रिलर में बदला जा सकता था वहीं बता दें कि साई माधवन बुरा का संवाद दर्शकों के बीच बेहतर ढंग से गोज सकते थे क्योंकि खासकर अधिक आकर्षक दे चीज़ें आपको इस फिल्म में देखने को मिल जाती है अधिक आकर्षक देशभक्तिपूर्ण और फिर फिरपंथियों को इस फिल्म में गौड़ने में हरे के वेदांतम की सिनेमेटोग्राफी भी सराहनीय लायक है हालांकि मिकी जे मेयर का काम यहाँ पे संतोषजनक ही है लेकिन फिल्म में कुछ ऐसे मौके छूट गए हैं जहाँ पे उनका शानदार बैकग्राउंड संगीत समग्र अनुभव को समृद्ध कर सकता था वही दोस्तों संपादक के बारे में हम बात करें तो फिल्म का संपादक नवीन नुल्ली बेहतर गति बढ़ावा देने के लिए पहले भाग में कुछ दिवसों में कटौती कर सकते थे जो कि बी की उचित देखभाल की सराहनीय काम हो सकता था खासकर यथार्थवाद और फ्य जो है यहाँ पे विसर्जन को बढ़ावा देने के लिए दृश्य प्रभाव को मांग किया गया है इस फिल्म के अंदर कुल मिलाकर दोस्तों ऑपरेशन वेलेंटाइन एक अच्छी हवाई एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि आकर्षक हवाई हमले दर्शियों के साथ साथ तेज और फिर मनुष्य छिल्लर के ठोस प्रदर्शन से प्रेरित है हालांकि सुस्त पहला भाग देखने को मिलता जरूर है लेकिन अनुश्यक दृश्य और फिर कुछ स्थानों पर आवश्यक भावनात्मक गहराई की कमी उल्लेखनीय कमियां हैं इसी तरह के दोस्तों हवाई एक्शन ड्रामा से परिचित दर्शक यहाँ पर शायद ऑपरेशन विलेन ट्राइन के साथ ही उतनी दृढ़ता से प्रतिध्वनित नहीं हो लेकिन दूसरों के लिए फिल्म इस हफ्ते के अंत में संतोषजनक मनोरंजन प्रदान करने के लिए काफ़ी आगे बढ़ती है तो इस तरह की कहानी इस फिल्म के अंदर पेश की गई है लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक ऑपरेशन विलेन टाइन फिल्म को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस फिल्म को एक बार ज़रूर से देखिए भाई दोस्तों ये फिल्म भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि दो के पुलवामा आतंकवादी हमले और भारतीय वायुसेना द्वारा दो के जवाबी बालाकोट एयर स्ट्राइकर पर आधारित है फिल्म की कहानी जिसका निर्देशन शक्ति प्रताप सिंह हारा ने किया है जो कि उनके निर्देशन में पहली फिल्म है और इसी के साथ सोनी पिक्चर्स और फिर संदीप जो है मुद्दा द्वारा निर्मित किया गया है इसी के साथ दोस्तों गॉड ब्लेस एंटरटेनमेंट और फिर नंद कुमार अभिननी द्वारा स्वनिर्माण के साथ इसे तेलुगु और हिंदी में एक साथ शूट किया गया था इसमें वरुण तेज मनुष्य छिल्लर और उनके राव नवदीप और फिर मीर सरोवर प्रमुख भूमिकाओं में फिल्में नजर आए हैं यह तेज़ की हिंदी फिल्म और फिर छिल्लर की तेलुगु फिल्म की शुरुआत है ये फिल्म 1 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी इसे समीक्षकों और दर्शकों से मिली जुली समीक्षाएं फिल्म को देखने को मिली है दोस्तों इससे पहले 14 अगस्त 2023 को अपने तीसरे शेड्यूल को पूरा करते हुए फिल्म के निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर ही ऑपरेशन विलेन ट्राइन के रूप में इसका शीर्षक प्रकट किया था सभी के सामने ये दरभाषिक प्रोजेक्ट तेलुगू और हिंदी दोनों में ही रिलीज के लिए तैयार किया गया उन्नीस अक्टूबर दो को निर्माता ने घोषणा किया था कि फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी पूरी हो चुकी है फिल्म की संगीत के बारे में हम बात कर ले तो साउंड और बैकग्राउंड स्कोर मिकी जे मेयर द्वारा रचित किया गया था वही सारे गांवों ने ऑडियो अधिकार हासिल कर लिया फिल्म का पहला एकल वंदे मातरम व जो है वाधा वार्डर पर अनावरण किया गया वहीं रिलीजिंग के बारे में हम बात करें तो मूल रूप से इसे 8 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था वही दोस्तों आपको बता दें लेकिन ये जो है थोड़ा सा पोस्ट प्रोडक्शन्स कार्यों में देरी हुई थी जिसकी वजह से सोलह फरवरी दो तक के लिए इसको रोक दिया गया बाद में ये फिल्म वन मार्च दो को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है इसी तरह दोस्तों फिल्म के पोस्ट थिएटर के बारे में हम बात कर ले तो स्ट्रीमिंग अधिकार एमजन प्राइम वीडियो को बेचा गया है इस फिल्म की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात कर ले तो रेडिफ की तरफ से अर्जुन मिनन ने इस मूवीज़ को फाइव में से थ्री स्टार रेटिंग दिया है ऑपरेशन वेलेंटाइन कुछ उत्साहनपूर्ण और फिर जो है हानि रहित मजेदार समय देने के लिए समान वायुसेना कथाओं के यानी कि टेम प्लेट का अनुसरण करता है इसी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से पोल निकोडेम्स ने भी फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट जीरो स्टार रेटिंग दी है और कहा कि ऑपरेशन वेलेंटाइन भारतीय वायुसेना की बहादुरी के लिए एक सम्मानजनक संकेत है जो कि दर्शकों को एक्शन देशभक्ति और नाटक का भी मिश्रण पेश करता है हालांकि ये पहुंच नहीं सकता है और इसके पूर्ववर्ती यानी कि हवाई युद्ध और फिर जो है वायुसेना की फिल्मों की भावनात्मक या फिर जो है सिनेमाई ऊंचाइयों के बावजूद ये जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में वीरता और फिर जो है बलिदान के अपने उत्साहित चित्रण के लिए एक सभ्य घड़ी बनाती है इसी तरह से दोस्तों द हिंदू की तरफ से संगीता देवी डंडू ने लिखा है कि मुख्य अभिनेता और फिर भूलने योग्य नहीं है क्योंकि उनके बीच के लिखित रिश्ते के साथ लेखन कुछ भी नया पेश नहीं करता है फिर भी ये फिल्म आपको देखने में अच्छा लगेगा द तो इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से रघुबंदी ने इस फिल्म को फाइव में से वन स्टार रेटिंग इन्होंने दिया है और दोस्तों उन्होंने लिखा है कि फिल्म में मानवीय कहानी का अभाव है ग्राफिक कार्य खराब दिखता है और फिर उत्पादन मूल्य वंचित नहीं है जबकि वरुण तेज के प्रदर्शन की प्रशंसाएँ की गई द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने लेखन की आलोचना करते हुए फिल्म को फाइव से टू पॉइंट फाइव स्टार दिया और कहा कि हमने और कहा कि इसमें हमारा ध्यान जो है खींचने के लिए यहाँ पे नबीनतम या फिर जो है आविष्कार नहीं है जो कि टिप्पणी करते हुए कि छिलर खराब भूमिकाओं के बावजूद अपने चरित्र में एक निश्चिंत तीव्रता इस फिल्म के अंदर लाते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों फिल्म में जो चीज़ दिखाया गया है वो देखने लायक है इस फिल्म की कहानी साल दो में हुई आतंकवादी हमला यानी कि पुलवामे हमले के ऊपर फिल्म की कहानी को बनाया गया है तो फैंस अगर आप लोग इस तरह की फिल्मों को देखना पसंद करते हो और आप लोगों ने अभी इस फिल्म को देख लिया है तो आप इस फिल्म को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं वही दोस्तों ये फिल्म भारतीय वायुसेना की बहादुरी कार्रवाई देशभक्ति और फिर नाटक के समिश्रण का एक सम्मानजनक संकेत है जो कि विपरीत परिस्थितियों में वीरता और बलिदान के जोशीले चित्रण के लिए ये अच्छी घड़ी को पेश करता है वहीं दोस्तों ऑपरेशन विलियनटाइन अर्जुन देव जिन्होंने रुद्र वरुण तेज के नाम से भी इसको जाना जाता है जो कि एक उत्कृष्ट लड़ाकू पायलट और फिर जो है आहाना गिल यानी कि कि छिल्लर जो भारतीय वायुसेना में एक कमांडर सेंटर अधिकारी है उनकी कहानी को बताया गया है सैन्य वीरता की पृष्ठभूमि पर आधारित उनकी प्रेम कहानी फिल्म के प्रोजेक्ट वज्र में उनकी भागीदारी को फिर से दर्शाती है एक मिशन जो कि एक घातक दुर्घटना में उनके साथी कबीर नवदीप की मृत्यु के साथ दुखद रूप से समाप्त हो गया था ये कहानी लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब श्रीनगर में एक आतंकवादी हमला दोनों को फिर से एकजुट होने के लिए मजबूर करता है और देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मिशनों में एक विशिष्ट यानी कि स्क्वाड का नेतृत्व करता है वही समीक्षक ने बताया है कि शक्ति प्रताप सिंह हारा द्वारा निर्देशित की गई शक्ति प्रताप सिंह हारा द्वारा निर्देशित की गई ऑपरेशन वेलेंटाइन भारतीय वायुसेना के लिए एक सिनेमाई श्रद्धांजलि है जो कि वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित है देशभक्ति रोमांच और फिर एक्शंस के तत्वों का मिश्रण है ये फिल्म यानी कि टॉप गॉर्न और फिर जो है हालिया हवाई युद्ध फिल्म फाइटर जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों की अपरिहार्य तुलना करते हुए अपनी जगह बनाने का प्रयास करता है लेकिन समकालीन भारतीय सैन्य फिरजुए चुनौतियों और इसके अलावा जो है लचीलेपन के चित्रण लचीले के, के माध्यम से भी एक अलग स्वाद पेश करने का प्रयास ये फिल्म करता है इसी तरह से दोस्तों आगे बता दें फिल्म के हीरो वरुण तेज ने वरुण तेज ने रुद्र के रूप में एक समूहक प्रदर्शन किया है जो कि कौशल और फिर जो है के साथ एक विद्रोही पायलट के गुणों को दर्शाते हैं मानुशी छिलर ने अपने टॉलीवुड डेब्यू में अहान गिल का किरदार निभाया है शालीनता से जो कि दृढ़ विश्वास के साथ निभाया है इन्होंने इस किरदार को और इन किरदारों की बेहतर जुआ स्थापना से ही फिल्म को मदद मिल सकती थी क्योंकि नवदीप रूहानी शर्मा उनके अलावा परेश पहोजा उनके अलावा अली रेजा और फिर है शताफ फिगार इनकी संपत राज और फिर जो है मीर सर्वर शहीद सहायक कलाकार प्रमुख कलाकारों के रूप में इस फिल्म के अंदर नजर आए हैं इसी तरह से दोस्तों हालांकि फिल्म ऊंची उड़ान वाले एक्शन दृश्यों में उत्कृष्ट है और फिर सुरानिया हवाई युद्ध दृश्यों को दिखाता है लेकिन ये अपने पात्रों और उनके रिश्तों को पूरी तरह से उजागर करने में विफल रहती है वर्दी के पेशे व्यक्तिगत जो है नुकसान और फिर जो है प्रेरणाओं को उजागर करने का फिल्म का प्रयास सराहनीय फिर भी इन पहलुओं को दर्शकों दर्शकों के साथ अधिक गहराई से जोड़ने के लिए आवश्यक भावनात्मक जो है मजबूती का अभाव रखा गया है इसके बाद दोस्तों तकनीकी रूप से फिल्म अपने दृश्य प्रभाव और फिर छायांकन से प्रभावित करती है हवाई लड़ाई के रोमांस और फिर जो है खतरे को गहरी नज़र से पकड़ती है हालांकि बी फिक्स फिर जो है गुणवत्तापूर्ण और कथा के साथ मिलकर निरंतरता में यहाँ पे विसंगतियाँ कभी कभी जो है यानी कि विसर्जन से ध्यान भटकाती है इसी के साथ मिक्की से मेयर का साउंडेड और बैकग्राउंड स्कोर प्रभावी ढंग से फिल्म के ऊंचा फिल्म के उतार चढ़ाव को रेखांकित करता है हालांकि एक मजबूत कथा फोक्स फिर समग्र प्रभाव को बढ़ा सकता था अंत में ऑपरेशन वैलेंटाइन भारतीय वायुसेना की बहादुरी का एक सम्मानजनक संकेत भी है जो कि दर्शकों को एक्शन देशभक्ति और फिर नाटक का मिश्रण पेश किया है फिल्म में हालांकि ये अपनी पूर्ववर्ती हवाई युद्ध और फिर वायुसेना फिल्मों की भावनात्मक या फिर सिनेमाई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता है लेकिन विपरीत परिस्थितियों में वीरता और फिर बलिदान के अपने उस उत्साहित चित्रण के लिए एक सभ्य घड़ी को बनाता है जिसे आपको एक बार जरूर से देखना चाहिए वही दोस्तों बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो अर्जुन देव वरुण तेज और उनकी पत्नी अहाना गेल मनुष्य छिल्लर भारतीय वायु सेना में विंग कमांडर के पद पर है अर्जुन एक परीक्षण पायलट है जो कि अन्य सैनिकों द्वारा उपयोग किए जाने से पहले सैन्य विमानों का मूल्यांकन करते हैं अर्जुन ने प्रोजेक्ट वज्र तैयार किया जिसमें देरशम के रडार की पकड़ से बचने के लिए ज़मीन के करीब उड़ान भर सकते जमीन के करीब उड़ान भरना शामिल है अपने परीक्षण मिशन के दौरान ही अर्जुन और फिर आहाना ने अपने करीबी दोस्त यानी कि नवदीप को दुखद रूप से खो दिया जिससे उनके रिश्तों में तनाव पैदा हो गया इसके बाद से दोस्तों अर्जुन ने प्रोजेक्ट वज्र तैयार किया है जिसमें दुश्मन ने दुश्मन के रटवार की पकड़ से बचने के लिए ज़मीन के करीब उड़ान भरना शामिल है अपने परीक्षण मिशन के दौरान अर्जुन और फिर आहाना ने अपने करीबी दोस्त नवदीप को दुखद रूप से दुखद रूप से खो दिया जिससे उनके रिश्तों में तनाव पैदा हो गया वही आहना अर्जुन से कहती है कि वह भविष्य में उस प्रोजेक्ट पर काम न करे अन्यथा उन्हें जो है ब्रेकअप करना होगा अपनी ज़िंदगी से वहीं पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले करने के बाद जिसमें जो है 40 यानी कि सीआरपीएफ आर जवानों की शहादत शामिल हुई जो कि भारत सरकार और फिर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी बिशरो आतंकवादी जो है इनकी शिविरों पर हवाई हमले करके जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया अर्जुन को प्रोजेक्ट वज्र के साथ आगे बढ़ाना होगा जबकि यहाँ पे रडार कमांडर आहाना को यहाँ पे मार्गदर्शन प्रदान करना होगा इस बार अर्जुन ने कैसे जो ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है और फिर भारतीय वायुसेना का फिल्म के अंदर गौरव बढ़ाया है वहीं कलाकारों का अभिनय के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में वरुण तेज वायुसेना पायलट के किरदार में बिल्कुल फिट बैठे हैं उनका फिल्म के अंदर कट आउट उन्हें वायुसेना अधिकारी मानने के लिए काफ़ी है और फिर वरुण तेज ने यह भूमिका बाखूबी निभाई है इमोशनल सीक्वेंस में भी वो अच्छे दिखे हैं एक अन्य वायुसेना अधिकारी के रूप में मनुष्य छिल्लर अपना काम बखूबी फिल्म के अंदर कर गई है हालांकि इसके बाद में मुख्य जोड़ी या फिर जो है पति पत्नी के रूप में उनके बीच की केमिस्ट्री लगभग जो है शून्य का रेडिंग है नवदीप एक कैमियो निभाते हैं फिल्म में और अगर आप पलक झपकते हैं तो आपको उनकी याद आएगी वहीं रूहानी शर्मा के पास से करने को ज़्यादा कुछ नहीं है जो कि परेश पाहुजा के लिए परेश पाहुजा के दिल को छू लेने वाले रोमांटिक चुटकुले बिल्कुल भी काम नहीं करता है तकनीकी पहलू के बारे में हम बात कर ले तो हरि देवान्तम की सेम्टोग्राफी उत्कृष्ट है एक्शन कोरियोग्राफी विशेष रूप से हवाई लड़ाई और फिर हवाई हमले बहुत ही प्रभावशाली है जो कि दृश्य प्रभाव साफ़ सुथरे फिल्म के अंदर पेश किया गया है वहीं दोस्तों इस फिल्म को चलाने के लिए सेम्टोग्राफी एक्शन पर प्रकाश डालना चाहते थे दोनों टेक्निकी टीम ने अपने काम को अच्छी तरह से अंजाम दिया है जो कि मिकी जे मेयर के संगीत का प्रभाव न्यूनतम है वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे नवदीप फिल्म निर्माता शक्ति प्रताप सिंह द्वारा निर्देशित की गई विश्लेषण यानी कॉपरेशन वेलेंटाइन मुख्य रूप से पुलवामा हमले और फिर पाकिस्तानी आतंकवादी समूहों के खिलाफ भारत के हवाई हमलों पर केंद्रित ही है जिन्हें भारत में सबसे घातक आतंकवादी हमलों में से एक माना गया है भारतीय वायुसेना ने भारत सरकार और फिर जो प्रधानमंत्री के राजनीतिक समर्थन से एक मजबूत जवाबी कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करते हुए यह हवाई हमले के लिए हालांकि फिल्म सीधे तौर पर वास्तविक घटनाओं का संदर्भ नहीं करता है लेकिन उनका अनुमान फिल्म के अंदर आसानी से लगाया जा सकता है मुख्य कहानी फिल्म के अंदर पूर्ण है और फिर वे सभी भारतीयों में से मेल खाता है हालांकि शक्ति प्रताप सिंह की पदकथा का काफ़ी हद तक असंगत है ख़ासकर फिल्म के पहले भाग में जिसमें जुड़ाव का अभाव इस फिल्म के अंदर पेश किया गया है हालांकि फिल्म केवल जो है पुलवामा हमले पर ही ध्यान केंद्रित करने के बजाय साहसी हमलों और फिर जो ऑपरेशन के दौरान ही वायुसेना के पायलटों को प्रदर्शन को चित्रित करने में अधिक रुचि रखता है फिल्म का परि फिल्म का प्रभारी जो है भाग मुख्य रूप से पुलवामा हमले से पहले की घटनाओं को चित्रित करता है ये एक के यानी कि एयरबेस पर पात्रों का परिचय देता है और फिर वरुण तेज और फिर जो है मानुषी छिल्लर द्वारा चित्रित किया गया पति और पत्नी के बीच तनावपूर्ण संबंधों की पड़ताल ये फिल्म करता है जो कि फिल्म के इस खंड को ख़राब तरीके से निष्पादित किया गया है जो कि वरुण तेज और फिर मनुष्य के बीच संबंधों को दर्शाने वाले दृश्यों में फिल्म के अंदर परमणिक जो है भारतीय भारतीय सार का भाव है और ये सीधे तौर पर एक हॉलीवुड फिल्म से लिया गया प्रतीत होता है उनकी बातचीत एक आम भारतीय जोड़े के बजाय साथी अधिकारियों के बीच की जो है बातचीत जैसी लगती है जो कि एक पति पत्नी की छाप देने में विफल रहते हैं दोनों शुरुआत में आगे पीछे की कहानी दर्शकों को बाधे रखने में थोड़ा सा विफल भी रहता है इस फिल्म के अंदर हालांकि दोस्तों इंटरवल से ठीक पहले कथन में सुधार हो जाता है और फिर दूसरे भाग में प्रभावी ढंग से हमारा ध्यान बनाए रखता है ये फिल्म फिल्म का मुख्य आकर्षण हवाई हमले और फिर जो है मध्यांतर के बाद सामने आने वाली घटनाएं हैं निर्देशक ने भारत के सबसे तीव्र हवाई हमलों को मनमोहक तरीकों से प्रस्तुत किया है जो कि दृश्य एक यानि उत्कृष्ट सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है हालांकि अधिकांश फिल्म में भावनात्मक गहराई और फिर जुड़ाव का अभाव है फिल्म की पतक्रथा कुछ हद हाँ तक जो है यानी कि घिसी पिटी महसूस होती है जिसमें कई पात्रों में अच्छी तरह से विकसित चित्रित आर्क का अभाव रखा गया है जिसमें संपत यानी कि राज उनके अलावा रूहानी शर्मा द्वारा निभाए गए किरदार भी इस फिल्म के अंदर शामिल किया गया है रूहानी शर्मा का चरित्र जो कि शुरू में काफ़ी विकसित हुआ था फिर उसके बाद कम इस्तेमाल किया गया है उनको इसके बाद प्रेस द्वारा निभाया गया यश शर्मा का किरदार और फिर उनके जो है चुटकुले हिंदी दर्शकों को पसंद आ सकते हैं लेकिन तेलुगु संस्करण में विशिष्ट यानी कि डॉब मूवी जो है हादसे के रूप में सामने आता है इसके अतिरिक्त यानी कि साई माथो जो कि बुरा के संवादों में देशभक्ति के अभाव का अभाव पैदा किए हैं जबकि संवाद एमी यानी कि जरी गीना उनके अलावा सारे जो है यानी कि चुस्सु कुदम में आवश्यक प्रभाव का प्रभाव है कुल मिलाकर ऑपरेशन वेलेंटाइन पहला तेलुगू यानी कि एयरफोर्स ड्रामा वाली फिल्म है जो कि कुछ रोमांचकारी हवाई रोमांस प्रदान करता है लेकिन अपनी क्षमता का पूरी तरह से फ़ायदा उठाने में विफल रहता है फिल्म में आवश्यक भावनात्मक गहराई का अभाव है और फिर शुरुआत में घटिया वर्णन के कारण जो है इसमें बाधा आती है हालांकि दूसरे भाग में दृश्य हवाई हमले और आद्वित सेटअप के साथ फिल्म के बेहतर पहलुओं को दर्शाता है तो कुल मिलाकर दोस्तों कहे तो ये फिल्म देशभक्ति को ऊपर आधारित है यानी कि पुलवामे हमले जो कि 2019 में शायद ही हमला हुआ था इंडिया में और उसी के ऊपर फिल्म की कहानी आधारित है अगर आप लोग इस फिल्म को यूरोप पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों ये फिल्म आपको अभी यूरोप पर देखने को नहीं मिलता है तो फैंस उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू एक्सप्रेशन आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बसीना ही तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो में तब तक के लिए टिल्ड एंड सी यू सुन